हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? आप सब बेटा, आज मैं आपके लिए गया हूं आपका नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। ये पूरा चैप्टर डील करता है, आपको समझना पड़ेगा पॉसिबिलिटी। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जब किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी वहां संभावना होती है। जैसे रिजल्ट आता है तो हम एक पॉसिबिलिटी निकालते हैं कि भाई मैं स्कूल में टॉप करूंगा या नहीं करूंगा। तो ऐसे ही डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट है जिसमें पॉसिबिलिटी निकालना पड़ता है कि कोई चीज हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी इवेंट का होना या नहीं होना, पॉसिबिलिटी, किसी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी कि वो होगा या नहीं होगा, ये हम प्रोबेबिलिटी से प्रायिकता से फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी चैप्टर जब मैं स्टार्ट करता हूं, पहले कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। तो पूरे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, पहले आपको वो लिखना है अपनी फेयर कॉपी में। अपनी फेयर कॉपी के अंदर पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सारे कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना। एक जगह सारे कॉन्सेप्ट लिखे देंगे तो रिवीजन करने में भी आपको आसानी होगी। मान लो आपका एग्जाम आ रहा है तो पूरा रिवीजन करने के बजाय पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो कि भाई एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे। अगर एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन आ गया, कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, तो उस समय आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा। कॉन्सेप्ट आपके पास सारे लिखे होने चाहिए कि किस प्रकार हम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूल्स बता रहा हूं। तो लिखो बेटा रूल्स नंबर वन, पहले रूल पे आते हैं बेटा, लिखो रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर फर्स्ट जो है बेटा वो है फॉर्मूला। तो प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो लिख लो, पॉसिबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट, यानी कोई इवेंट होगा उसकी क्या पॉसिबिलिटी है वो न्यूमरेटर होगा, और उसका जो टोटल नंबर होगा वो आपका डेनोमिनेटर होगा। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो बेटा हिंदी मीडियम क्या लिखोगे, संभावित घटना कि उसकी होने की क्या संभावना है अपॉन में कुल घटना। संभावित घटना मतलब किसी चीज के होने की जो पॉसिबिलिटी है पॉसिबल, और अपॉन में टोटल। तो रूल नंबर आपको फर्स्ट लिखना है फॉर्मूला, और फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए लिखवाया क्योंकि हम फॉर्मूला एज इट इज नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। वो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को हम एज इट इज नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस प्रकार से लिखना है। पहले आप ये नॉर्मल तौर पर लिख लो, किसी चीज की होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो ऊपर आएगा और जो टोटल नंबर होगा बेटा वो अपॉन में आएगा। तो पॉसिबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट, संभावित घटना अपॉन में कुल घटना, ये रूल नंबर वन हो गया। रूल नंबर टू पे आते हैं बेटा। तो रूल नंबर टू क्या लिखोगे आप बेटा, लिखो रूल नंबर सेकंड पे आते हैं बेटा, रूल नंबर टू। ठीक है, रूल नंबर टू ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी और प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट, ये इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट। ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट, यानी कोई चीज होने की घटना और उसके नहीं होने की घटना, कोई इवेंट होगा और कोई इवेंट नहीं होगा, इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू जो होगी वन होगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक डाइस फेंका, और डाइस में आपको पता है पासे के अंदर वन से लेकर सिक्स तक नंबर होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम जानते हैं। मैंने कहा मेरे पास वन आना चाहिए, तो वन आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/6 होती है। मैं बाकी क्वेश्चन में कराऊंगा, आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। वन आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/6 होती है, क्योंकि पूरे डाइस में वन केवल एक ही बार होता है, 6 नंबर टोटल हो गए, तो 1/6। वन आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो वन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा 5/6, क्योंकि जब हम डाइस को उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो वन के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, और वन के ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। वन के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है तो 5/6। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो वन होगा। तो ये आपको एग्जांपल के तौर पर याद रखना है। क्या याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी ना होने को अगर प्लस कर दिया जाए, इवेंट होने के लिए और इवेंट ना होने के लिए अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू वन के इक्वल होती है। ठीक है, ये रूल नंबर टू है जो आपको याद रखना है, कई क्वेश्चनों में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आपका बर्थडे आज है और आपका बर्थडे आज नहीं है, दोनों को प्रोबेबिलिटी का प्लस करेंगे तो इक्वल टू वन आएगा। ठीक है, फिर आते बेटा रूल नंबर थ्री पे। तो रूल नंबर थ्री लिखो बेटा, रूल नंबर टू के बाद चलते हैं बेटा रूल नंबर थ्री पे। लिखो रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थर्ड पे, दो रूल लिख लिया आपने। रूल नंबर थर्ड क्या रहता है बेटा, रूल नंबर थर्ड एक होता है बेटा इम्पॉसिबल इवेंट,
इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट हिंदी में बोलते बेटा असंभव घटना, असंभव घटना याद रखना, इम्पॉसिबल इवेंट। ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, मैंने कहा एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल है, ध्यान से सुना, एक बैग में 5 रेड बॉल है, बैग में 5 रेड बॉल है और मैं कहता हूं व्हाइट बॉल निकाल के दिखाओ, तो कैसी है? ये इम्पॉसिबल इवेंट है। जब बैग के अंदर ओनली रेड बॉल है तो व्हाइट कहां से निकालोगे? बैग में, एक बैग के अंदर ये मान लो ये बैग है और इसके अंदर 5 रेड बॉल है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 रेड बॉल है और मैं कहता हूं व्हाइट बॉल निकालो, तो नहीं निकाल सकते ना क्योंकि इसमें केवल रेड बॉल है, तो इसे बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जो संभव नहीं है, जो संभव ही नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा वो ऑलवेज 0 होती है क्योंकि वो चीज नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो जितने भी इम्पॉसिबल इवेंट होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी आपको याद रखनी है 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। अब देखो ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि भाई इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ये 1 मार्क्स तो पूछ चुका है पहले एग्जाम में, इसलिए 1 मार्क्स की तैयारी कर रहा हूं कि कहीं भी आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, चाहे 1 मार्क्स के हो या 3 मार्क्स के हो या 4 मार्क्स के हो या 5 मार्क्स, कितने भी नंबर का हो, मार्क्स भाई एक एक नंबर बहुत जरूरी है, 1 by 1 एड होते तभी 100 होता है, तो नंबर नहीं कटना चाहिए, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है बेटा, अब आते बेटा रूल नंबर 4th पे, तो रूल नंबर 4th लिखो बेटा। रूल नंबर 4th होता है बेटा श्योर इवेंट, श्योर इवेंट लिखो बेटा, श्योर इवेंट यानी निश्चित घटना, हिंदी बोलते बेटा निश्चित घटना, निश्चित घटना, श्योर इवेंट। सर ये श्योर इवेंट क्या होता है? बेटा श्योर इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। श्योर इवेंट कौन होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अभी श्योर इवेंट क्या है, एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास एक बैग है, फिर से आपके पास एक बैग है और उसके अंदर 5 रेड बॉल है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 रेड बॉल है, सिर्फ रेड बॉल है, बैग के अंदर 5 रेड बॉल है और मैंने कहा रेड बॉल निकालो, तो भैया रेड बॉल है ना, कोई सा भी बॉल निकालोगे रेड ही होगा। एक बैग में 5 रेड बॉल है और आपको कह रहा हूं रेड बॉल निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैं इनमें से कोई सा भी बॉल निकालू रेड ही होगा क्योंकि केवल रेड बॉल ही है, तो इसे बोलेंगे श्योर इवेंट, क्योंकि होगा ही होगा, रेड ही होगा और कोई हो नहीं सकता क्योंकि बैग में केवल रेड बॉल था। तो बेटा श्योर इवेंट, श्योर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, निश्चित घटना जो फिक्स है, जिसका होना ही होना है, उसे हम श्योर इवेंट बोलते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। याद रखोगे बेटा, श्योर इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होता है। ये आपका रूल नंबर 4th हो गया। अब आते हैं बेटा रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 याद रखना बेटा, रूल नंबर 5 देखो बेटा, जितने भी प्रोबेबिलिटी होते हैं उन सबका सम, यानी हम सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले और उनको ऐड करके देखें कैसे, ये मैं आपको एग्जांपल करता हूं, मैं सिखाऊंगा अभी। जितने भी प्रोबेबिलिटी होते हैं उन सबका सम, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सभी पीई का योग, सभी पीई का योग, पीई मतलब प्रायिकता, सभी प्रायिकता का योग, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, याद रखना सभी प्रोबेबिलिटी को सम करने पर उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे हमेशा 1 के इक्वल आती है। जैसे मान लो आपने एक डाइस फेंका, अब बताओ डाइस में पासे के अंदर जब आप फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 तक होता है डाइस में, आप सबको पता है पासे के अंदर 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, क्योंकि 6 भी एक, भाई 1 भी एक ही बार होता है, 2 भी एक ही बार होता है, 3 भी एक ही बार होता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6,
टू आने की, थ्री आने की, फोर आने की, फाइव आने की, सब सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6. अब आप जब इनको ऐड करोगे, इन सबको प्लस करोगे तो 6 आएगा आपका एलसीएम. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया, आंसर 1 आएगा. तो सभी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है. इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, रिप्रेजेंट करने का एक मेथड भी होता है. इसको रिप्रेजेंट करने का ऐसा मेथड होता है, देखो, इसे बोलते हैं समीशन. शायद आप में से अधिकतर बच्चों को याद होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ऐसे लिखते हैं इसको, समीशन. और इसे बोलते हैं समीशन. सिग्मा लोग, कई लोग बोलते हैं, लेकिन इसको एक्चुअल वर्ड जो है वो समीशन है. इसको समीशन बोलते हैं, समीशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी. सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 के इक्वल होता है. तो जो मेन रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है. इस प्रकार से इसको लिखते हैं कि सभी प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू 1. याद रखोगे, सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है. ये कौन सा रूल था? रूल नंबर 5. रूल नंबर 6 पे आता है बेटा. देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 6. इसमें आपको याद रखना है, जितने भी प्रोबेबिलिटी होती है उन सब का जो आंसर आता है, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है. प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 to 1, इसके बीच में ही रहेगा हमेशा आंसर. इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता. किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है ना बेटा, वो 0 से छोटा नहीं हो सकता. 0 से छोटा मतलब माइनस का नहीं हो सकता, कभी भी माइनस का नहीं हो सकता. और 1 पॉइंट कुछ नहीं हो सकता, यानी 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता. 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा. प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है. तो इसको लिखते कैसे है, लिखने का मेथड क्या है, देखो लिखते कैसे है इसको. ये आ गया प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर हमेशा 0 to 1 के इक्वल होता है. मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है. याद रखोगे, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा बेटा कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 के बीच में होता है. जितने भी प्रोबेबिलिटी के आंसर होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे स्टडी कर रहे हो, 9 से लेकर जितने भी मर्जी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर लेंगे हम, इसका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा. मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है. 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटे नहीं होगा. याद रखोगे, ये था हमारा रूल नंबर 6. अब रूल नंबर 7 पे आते हैं. रूल नंबर 7 लिखो बेटा, रूल नंबर 7. रूल नंबर 7 इसे बोलते हैं बेटा इक्वली लाइक इवेंट. इक्वली लाइक इवेंट, इक्वली लाइक इवेंट हिंदी बोलते हैं इसको, बराबर बराबर संभावित, बराबर संभावित घटना. इक्वली लाइक इवेंट क्या होता है बेटा, मान लो दो इवेंट हुए, दो इवेंट में दोनों के आने के जो चांस है, दोनों की पॉसिबिलिटी अगर इक्वल है, दो इवेंट हैं और दोनों के आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है. जैसे आपने एक कॉइन उछाला, तो जब एक कॉइन को आप उछालोगे तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी. तो दोनों के होने की जो पॉसिबिलिटी वो इक्वल है. मान लो कोई क्वेश्चन है और उसके दो आंसर है, या तो ट्रू या फॉल्स. एक क्वेश्चन है और आपको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है. तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, दोनों के आने के इक्वल चांस है. तो ऐसे इवेंट जिनके होने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है उसे बोलते हैं इक्वली लाइक इवेंट. इक्वली लाइक इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसके होने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है. इसका यह मतलब हुआ कि जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका आंसर और जो सेकेंड पार्ट होगा उसका आंसर, दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए. फर्स्ट पार्ट का आंसर और सेकेंड पार्ट का आंसर, अगर इन दोनों पार्ट का आंसर इक्वल है, दो ही पार्ट है और दोनों पार्ट का आंसर इक्वल, दो पार्ट है और दोनों ही पार्ट का आंसर इक्वल है, तो उसे बोले इक्वली लाइक इवेंट, उसे बोलेंगे बराबर संभावित घटना. ठीक है, ये था बेटा रूल नंबर 7. अब आते हैं बेटा रूल नंबर 8 पे. तो सही बच्चे लिखो बेटा रूल नंबर 8. अभी रूल चल रहा है, अभी हम एक्सरसाइज में नहीं पहुंचे हैं. पहले आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना एक साथ, ताकि आपको कहीं परेशानी नहीं हो. देखिए बेटा, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है डाइस वाला, जिसे हम बोलते हैं पासा. अगर कोई क्वेश्चन आता है डाइस वाला, ध्यान से सुनना, पासा देखा ना आपने, लूडो खेलते हम लोग, डाइस, ऑनलाइन लूडो का आजकल बहुत जमाना है, तो डाइस आपने जरूर उछाले होंगे ऑनलाइन में भी. तो जब हम डाइस को एक बार उछालते हैं,
जब डाइस को हम एक बार उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है? डाइस को एक बार उछालने पर सैंपल क्या क्या बन सकता है? सैंपल मतलब क्या क्या चीज आ सकती है। तो अगर डाइस को हम एक बार उछालेंगे तो वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है और सिक्स आ सकता है। क्लियर हो गया? अगर डाइस को हम एक बार उछालेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, क्योंकि डाइस में यही छह नंबर होते हैं। तो जब डाइस को एक बार उछालेंगे तो वन से लेकर सिक्स तक कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन अगर बच्चों डाइस को दो बार उछाला तो क्या आ सकता है? अगर डाइस को हमने दो बार उछाला, क्योंकि आपके सिलेबस में दो डाइस तक है, जब आप ट्वेल्थ में जाओगे तो डाइस को चार चार बार भी उछाल सकते हैं, आपके सिलेबस में केवल दो ही डाइस हैं। अगर दो डाइस को एक साथ उछाल दिया, या एक डाइस उछाला उसके बाद दूसरा डाइस उछाला, अगर दो डाइस को एक साथ उछाला तो क्या क्या सैंपल बन सकता है, क्या क्या आ सकता है, ध्यान से सुनना। यही चीज आपको अभी से याद रखनी पड़ेगी, ये उस समय नहीं बताऊंगा क्वेश्चन में, आपको तभी याद रखना है। अगर बच्चों हम दो डाइस को एक साथ उछालते हैं तो 36 केस बनते हैं, 36 केस बन सकते हैं, 36 केस बन सकते हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखो, या तो हो सकता है पहले डाइस पे वन हो दूसरे पे भी वन हो, या पहले पे वन हो दूसरे पे टू हो, या वन और थ्री हो सकता है, पहले पे वन हो दूसरे पे फोर हो, पहले पे वन हो दूसरे पे फाइव हो, और फिर वन हो और सिक्स हो। क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं? अगर हम दो डाइस को उछालेंगे तो ऐसे करके 36 केस बनेंगे। वन वन हो सकता है, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स। अब क्या हो सकता है? टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स, और लास्ट सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स। बेटा ये 36 केस बन सकते हैं। कब? अगर डाइस को हमने दो बार उछाला। अगर डाइस को दो बार उछालेंगे बच्चों तो ये 36 केस बनेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे ही 36 केस बन सकते हैं। और ये आपको दोनों केस याद रखने हैं। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये बात पता होना चाहिए। अगर डाइस को वन बार उछाला, अगर डाइस को एक बार टॉस करा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 केवल ये केस होंगे। लेकिन अगर डाइस को हम दो बार उछालेंगे तो 36 केस आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर हो गया? जब मैं आपको याद ना, हर चैप्टर के स्टार्टिंग पहले कॉन्सेप्ट कराता हूं। जिसने मैथ्स को कॉन्सेप्ट वाइज समझा है वो मैथ्स की ब्यूटी को समझता है, वो मैथ्स को एंजॉय करता है, और जो क्वेश्चन के समय में समझता है वो हमेशा बर्डन में रहता है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अभी समझ लेना है। ये डाइस का हो गया, अब मैं सिखाता हूं कॉइन के लिए। ये रूल नंबर आपका हो गया 8। डाइस अगर एक बार उछाला और डाइस अगर दो बार उछाला तो ये दो केस हो गए। दो से ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आपको बता नहीं रहा था। कितने रूल हो गए बेटा? रूल नंबर 8 हो गए। अब आपको बताता हूं रूल नंबर 9। तो लिखो बेटा रूल नंबर 9, रूल 9। अब बात होगी कॉइन्स के लिए, सिक्के। कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से पहले समझ लो। देखो बेटा, कॉइन हम सबके पास है, सिक्के हम सबके पास है। अगर आप जानते हो कि कॉइन के अंदर दो केस होते हैं, हेड और टेल, सबको पता होगा। कॉइन में एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोलेगा कि कॉइन को एक बार उछाला। अगर कॉइन को एक बार उछाला, ध्यान से सुनना, अगर कॉइन को हम एक बार उछालेंगे तो सैंपल क्या आ सकता है? सैंपल क्या हो सकता है? हेड और टेल, केवल ये हो सकता है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और कोई तो आ नहीं सकता। अगर कॉइन को हम एक बार उछालेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और कुछ तो नहीं आ सकता। बट अगर कॉइन को दो बार उछाला तो क्या होगा? अब हमने दो कॉइन को उछाला, या तो दो कॉइन को एक साथ उछाला या वन बाय वन करके उछाला। दोनों का कोई मतलब नहीं, दोनों एक ही बात होती है। या दो कॉइन एक साथ उछाल लिया, वन बाय वन करके उछाला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो कॉइन की बात हो कि टू कॉइन टॉस हुआ है, टू कॉइन को उछाला गया है, तो ध्यान से सुनना बेटा। अगर दो कॉइन को उछाला तो देखो सैंपल क्या बनेगा। एस फॉर सैंपल, या तो हो सकता है दोनों बार हेड हो,
भाई पहले कॉइन पे भी हेड आए, दूसरे कॉइन पे भी हेड आए, या हो सकता है दोनों पे टेल आए, भाई पहले पे भी टेल आए दूसरे पे भी टेल आए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे तो हेड आया दूसरे पे टेल आया, या पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया। तो ये चार केस हो सकते हैं बेटा। अगर कॉइन को दो बार उछाला, आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक बार उछाले दो बार, एक बार उछाला तो हेड और टेल, अगर दो बार उछाला तो हेड हेड टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये चार केस बन सकते हैं। कब? अगर कॉइन को हमने दो बार उछाला है। ऐसा भी आपके सिलेबस में है, अगर कॉइन को हमने तीन बार उछाल लिया तो क्या होगा, और ये सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, अगर कॉइन को तीन बार टॉस किया है, या तो कॉइन को वन बाय वन करके तीन बार टॉस किया है, या एक साथ तीन कॉइन को हमने टॉस कर दिया, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर बेटा कॉइन को तीन कॉइन को हमने टॉस किया तो देखो क्या होगा, देखो बेटा अगर तीन कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या केस बनेगा, ध्यान से देखना एक चीज, हो सकता है कि तीनों बार हेड आए, हो सकता है क्या कि तीनों बार हेड आए, अब पहले हेड को कम करते जाओ, हो सकता है दो बार हेड आए एक बार टेल आए, या एक बार हेड आए दो बार टेल आए, या फिर तीनों बार टेल आए। देखो पहले मैंने हेड को कम करता गया, हो सकता है तीनों बार हेड हो, दो बार हेड हो एक बार टेल हो, एक बार हेड हो दो बार टेल हो, तीनों बार टेल हो, अब टेल को कम करते जाओ, हो सकता है कि दो बार टेल हो एक बार हेड हो, एक बार टेल हो या दो बार हेड हो, या हेड टेल हेड हो सकता है, या टेल हेड टेल भी हो सकता है। ये आठ केस बनते हैं कॉइन के केस में बेटा, आठ केस बनेंगे अगर कॉइन को तीन बार क्रॉस करा है तो, ये आठ केस बनेंगे। देखो काउंट कर लो इनको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये आठ केस बनते हैं अगर कॉइन को तीन बार टॉस करा है। ये आठ केस क्यों बने मैं आपको बता देता हूं, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं ना बेटा, कॉइन को जब उछालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब ये 2 की पावर n का क्या रोल है मैं आपको बताता हूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूं। देखो कॉइन को हमने कितनी बार उछाला, एक बार उछाला था, यहां एक बार उछाला था हमने, तो n की जगह 1 रखेंगे, 2 की पावर 1 मतलब 2, इसलिए देखो दो ही केस बने यहां पर। यहां कॉइन को हमने दो बार उछाला था, दो बार उछाला था तो n की जगह 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 मतलब 4, देखिए 4 केस बने, यहां 4 केस बने। यहां कॉइन को हमने तीन बार उछाला है, कॉइन को तीन बार उछाला है तो n की जगह 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 2 की पावर 3 मतलब क्या, 2 into 2 into 2, 2 गुना 2 गुना 2, तो 8 आएगा, देखो 8 केस बने। तो कॉइन में 2 की पावर n का फॉर्मूला काम आता है। ऐसे ही आप डाइस का भी याद कर सकते हो, डाइस का भी फॉर्मूला होता है, चलो बता देता हूं, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा 6 की पावर n। डाइस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 6 की पावर n। देखो डाइस को एक बार उछाला तो 6 की पावर 1, तो 6 आएगा, इसलिए 6 आंसर था। लेकिन जब डाइस को दो बार टॉस किया था 36 आया था, क्योंकि n की जगह 2 और 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है, इसलिए 36 केस बने थे। तो डाइस के लिए भी फॉर्मूला है 6 की पावर n, और कॉइन के लिए भी फॉर्मूला है 2 की पावर n। अब जरा एक चीज दोबारा याद रिवाइज कर लो बच्चों, अगर एग्जाम में कॉइन को एक बार टॉस किया है तो हेड और टेल, अगर कॉइन को दो बार टॉस किया है तो ये सारे केस बनेंगे, चार केस बनेंगे, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, और अगर कॉइन को तीन बार टॉस किया है तो ये आठ केस आपके बनेंगे, पहले 3 हेड, फिर 2 हेड, फिर 1 हेड, फिर तीनों टेल, फिर 2 टेल, फिर 1 टेल, फिर हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। बड़ा सिंपल है याद करना, पहले हेड कम करते जाओ, फिर टेल कम करते जाओ, फिर हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, ये लास्ट होता है 3 कॉइन तक आपके सिलेबस में। तो ये भी आपको बता दिया, ठीक है जी। डाइस वाला हो गया, कॉइन वाला हो गया, ये रूल नंबर 9 था। अब रूल नंबर 10 पे आता हूं बेटा, रूल नंबर 10 ध्यान रखना, ये सारे रूल अगर आपको आ गए तो केवल एनसीईआरटी के नहीं, दुनिया का किसी भी बुक का क्वेश्चन हो आप कैपेबल होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। हम केवल एनसीईआरटी पढ़ने नहीं बैठे यहां, आगे केवल एनसीईआरटी कर लेंगे, एनसीईआरटी तो केवल एनसीईआरटी जो है वो केवल हमारा बेसिक पॉइंट है कि पहले हम एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं, कि पहले हमारे जो ऑफिशियल किताब है जो गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है पहले वो कवर करना चाहते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी करेंगे सीबीएसई के या अदर बोर्ड के, जो हमारे लिए जरूरी है, तभी तो पता लगेगा एग्जाम कैसा आता है, तो तब आपको रूल्स काम आएगा। बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, केवल एक्सरसाइज पे ध्यान देते हो, वो 20-25 क्वेश्चन कर लिया और सोच रहे हो बहुत बड़े रॉकेट स्टार बन गए, नहीं भाई पहले रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है मेरे लाल, पहले रूल्स पे फोकस कर, पहले सारे रूल्स को समझ ले, फिर चाहे बुक का क्वेश्चन हो चाहे बाहर का क्वेश्चन हो, तब ये थोड़ी बोलने आएगा मेरे पे सर जी ये कहां से आया,
रूल्स पता होना चाहिए। देखिए रूल नंबर 10 ये हम पढ़ेंगे बेटा कार्ड्स के बारे में, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत कम बच्चों को कार्ड्स का ज्ञान है। कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, पत्तों के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम पत्ते बोलते हैं, ठीक है, कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, पत्तों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको पूरा पत्तों का टेबल बताता हूं, पूरा कंप्लीट टेबल आपको समझाता हूं, ताकि आपको ये टेबल याद रखनी है। ये टेबल जो मैं आपको आज बना रहा हूं टेबल, अगर ये टेबल याद हुआ तो जिंदगी में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे पत्तों के मामले में, कार्ड्स के मामले में। देखो टोटल कार्ड जो होते हैं बेटा 52 होते हैं, याद रखना टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, 52 कार्ड होते हैं टोटल। ताश के जो पत्ते होते हैं आपने देखे होंगे 52 टोटल होते हैं, बस ये याद रखना, ये याद कर लोगे बाकी मैं याद करवाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब इस 32 में इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इस 52 में, इसके दो पार्ट होते हैं बेटा। एक होता है रेड कार्ड, एक होता है रेड कार्ड। रेड जो होते हैं बेटा वो 26 होते हैं, 52 पत्तों में से 26 पत्ते रेड होते हैं, और 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। लो जी ब्लैक, मैंने ब्लैक कलर से बनाया आपके लिए स्पेशली ताकि याद रहे, याद रखोगे 26 रेड हो गए और 26 ही ब्लैक हो गए। 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड रेड होंगे और 26 कार्ड ब्लैक होंगे, ये याद हो गया, रेड एंड ब्लैक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बेटा रेड के भी दो पार्ट होते हैं, रेड के भी दो पार्ट होते हैं, लाल पत्तों के भी दो भाग होते हैं, लाल पत्ते के भी दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं हम हर्ट और एक को बोलते हैं बेटा हम डायमंड। एक होता है हर्ट और एक होता है डायमंड। जो हर्ट होता है उसके नंबर 13 होते हैं, 13 हर्ट होते हैं, 13 हर्ट होते हैं और 13 ही डायमंड होते हैं, दोनों ही रेड कलर के होते हैं। हर्ट रेड कलर का 13 कार्ड्स होता है और डायमंड रेड कलर के 13 कार्ड्स होते हैं। हिंदी में ऐसे बोलते हैं बेटा पान, पान के 13 पत्ते होते हैं, और इसे बोलते हैं बेटा ईंट, ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं। हर्ट के 13 कार्ड्स, डायमंड के 13 कार्ड, क्लियर हो गया। 52 कार्ड्स में 26 रेड हो गए, 26 ब्लैक हो गए, 26 में के दो पार्ट होते हैं हर्ट एंड डायमंड, ये दोनों देखो रेड कलर से बना रहा हूं, रेड कलर से बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये दोनों रेड कलर के होते हैं। हर्ट 13 होते हैं रेड कलर का, डायमंड 13 होते हैं रेड कलर का। अब ब्लैक के भी दो पार्ट्स होते हैं, ये जो 26 कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक के, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं बेटा क्लब, क्लब क्लब जो होते हैं वो 13 होंगे, क्लब कितने होंगे बेटा 13 होंगे, और एक होता है बेटा स्पेड, स्पेड स्पेड भी बेटा 13 होते हैं। हिंदी में बोलते हैं बेटा चिड़ी, चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं काले रंग के, चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं काले रंग के, और इसे बोलते हैं हुकुम, हुकुम के भी 13 पत्ते होते हैं काले रंग के। क्लियर हो गया अब तक सारी बातें समझ आई टेबल में। 52 कार्ड्स के दो पार्ट हो गए, 26 लाल हो गए, 26 काले हो गए, फिर 26 के दो पार्ट हैं, हार्ट रेड कलर का 13 कार्ड, डायमंड रेड कलर का 13 कार्ड, क्लब ब्लैक कलर का 13 कार्ड, स्पेड ब्लैक कलर का 13 कार्ड्स। क्लियर हो गया। अब हम कार्ड्स का खेल समझते हैं, यहां से कार्ड्स, पहले आपको ये मेन चीज समझनी थी, ये चीज पहले, ये मेन चीज, चार पार्ट्स में कार्ड्स के चार डिवीजन होता है, एक हर्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का और स्पेड का, चार मेजर डिवीजन होता है कार्ड का। अब वन बाय वन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पत्ता होता है जिसे हम बोलते हैं एस, जिसे हम हिंदी बोलते हैं इक्का, एस हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इक्का, इक्का। तो जो एस होगा वो वन हर्ट का होगा, वन डायमंड का होगा, रेड कलर का होगा, वन हर्ट वन डायमंड इक्का, और वन क्लब का होगा और वन स्पेड का होगा। तो जो टोटल होंगे वो चार होंगे, इक्का टोटल कितने होते हैं चार होते हैं। चार कैसे होते हैं, देखो चार डिवीजन है, एक पान का इक्का होगा, एक ईंट का इक्का होगा, एक चिड़ी का इक्का होगा, एक हुकुम का इक्का होगा, इंग्लिश में एक हर्ट का होगा, एक डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पेड का, टोटल चार इक्के होते हैं एस। एस के बाद दूसरा आता है बेटा, एस के बाद दूसरा होता है बेटा किंग, दूसरे नंबर पे आता है किंग, जिसको हम बोलते हैं बादशाह, बादशाह। तो इसके भी चार पार्ट होंगे, कैसे पार्ट होंगे,
एक पान का होगा बादशाह, एक डायमंड का किंग होगा, और एक आपका क्लब का हो गया और एक स्पेड का हो गया। तो टोटल बादशाह जो होंगे ये भी चार होंगे। समझ में आ गया? सबके चार चार डिवीजन होते हैं, एक का चार होते हैं, एस चार होता है, बादशाह भी चार होता है, किंग भी चार होता है। उसके बाद क्वीन, अब आएगी बेटा क्वीन, किंग के बाद क्वीन, ठीक है, जिसे हम रानी बोलते हैं कई बार, और हम उसे बेगम भी बोलते हैं, बेगम, बेगम। तो फिर वही चार डिवीजन, जो बिग क्वीन होगी, एक हार्ट की क्वीन होगी, एक डायमंड की क्वीन होगी, एक क्लब की क्वीन होगी, एक सॉरी क्लब की क्वीन, ये ब्लैक कलर का होगा, एक क्लब की क्वीन होगी और एक स्पेड की क्वीन होगी। तो टोटल क्वीन भी कितने हो गए? चार हो गए। सारे कार्ड चार चार होते हैं, इक्का चार, बादशाह चार, बेगम चार, ठीक है। इसके बाद, इन सबके बाद आता बेटा जैक। नेक्स्ट है बेटा जैक, जैक जिसे बोलते हैं गुलाम, गुलाम। तो ये भी चार होते हैं। कैसे चार होंगे? एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, और एक स्पेड का होगा, और एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा। तो टोटल जो गुलाम होता है वो भी चार होता है, चार गुलाम हो गए आपके, ठीक है भाई साहब। चार इक्का, चार बादशाह, चार बेगम और चार गुलाम। उसके बाद बड़ा सिंपल है, उसके बाद को बड़ा सिंपल है। फिर होता है 10 नंबर वाला कार्ड, फिर होता है 9 नंबर वाला कार्ड, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। एक नहीं होता, एक की जगह इक्का होता है। पहले देखो मेन क्या होता है, शुरुआत होते हैं इक्का, इक्का बादशाह बेगम गुलाम, याद रखना है, एस किंग क्वीन और जैक, पहले चार याद रखना है। उसके बाद क्या आता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, सिंपल। और सभी ये सिंपल ऐसे ही होते हैं, देखो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ऐसे ही 1, 9 भी 1, 8, 1, 7, 6 के लिए, 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, ऐसे सारे टेबल आप भर दो, 1, 1, 1, 1, 1, सभी चार चार कार्ड्स होते हैं। तो ये भी चार चार ही होंगे, ये भी चार चार होंगे, कोई अलग थोड़ी है, ये भी चार चार ही होंगे, सारे कार्ड चार चार ही होते हैं बेटा। तो आप लिख सकते हो सबके इक्वल में, 10 नंबर वाला भी चार होगा, 9 नंबर वाला भी चार है, 8 नंबर वाला भी चार है, 7 नंबर वाला भी चार है, 6 नंबर वाला भी चार है, सॉरी चार लिखना बेटा, चार चार, 5 नंबर वाला भी चार ही है, 4 नंबर वाला भी 4 ही होगा, 3 वाला भी 4 ही होगा, 2 वाला भी 4 होगा, सारे कार्ड 4-4 होते हैं, सारे कार्ड 4-4 होते हैं, ठीक है। मेन आपको ये याद रहेगा सबको, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, ये सबको याद रहता है, मेन आपको ये याद रखना है, इक्का, बेगम, बादशाह और ये जो गुलाम है, ये जो चार चीजें हैं ये याद रखना है, ठीक है। और ये सभी चार चार ही कार्ड होते हैं, मैंने आपको टेबल में बना के दे दिया, ये टेबल आपको याद रखना है। इसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो आपको तीन दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा, ये जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम, इंग्लिश में किंग, क्वीन और जैक, जरा इन तीनों को ध्यान से समझना। ये जो किंग है, जो क्वीन है और जैक है, चार हो गए किंग वाले, चार तो किंग हो गए, चार क्वीन हो गए और चार जैक हो गए, टोटल हो गए 12। ये जो 12 होते हैं इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन वाले कार्ड पर क्या तस्वीर बनी होती है, फेस बने होते हैं, इसलिए इनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, याद रखोगे, फेस कार्ड 12 होते हैं। आई रिपीट, फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। हिंदी में भी इसे फेस कार्ड ही बोलते हैं, या कई बार इसे चेहरे वाले पत्ते भी बोलते हैं, फेस कार्ड, याद रखो बेटा, फेस कार्ड 12 होते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है ताश के बारे में, पत्तों के बारे में, केवल एक बार लास्ट बारे में, पत्तों के बारे में रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद लास्ट आएगा टॉपिक नंबर 11 और रूल सारे खत्म, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक बार कार्ड्स के बारे में दोबारा समझ लो, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। इसमें 26 रेड है, 26 ब्लैक है, 26 रेड के दो पार्ट है, हर्ट एंड डायमंड, हर्ट के 13 होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं, क्लब के 13 होते हैं, स्पेड के 13 होते हैं। इसके बाद एक एक करके डिवीजन होता है, इक्का, इक्का टोटल चार होते हैं, इक्का कितने होते हैं? चार होते हैं। फिर उसके बाद बेगम,
बादशाह, बादशाह भी चार है, बेगम, बेगम भी चार है, गुलाम ये भी चार है, 10, 9, 8, 7, 5 ये सब चार चार है, सारे कार्ड चार चार है। ठीक है, बस एक चीज याद रखना कि जो किंग, क्वीन और जैक है, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये जो तीनों चार 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 कार्ड है ना, चार 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 टोटल हो गए 12। ये तो 12 कार्ड है, इन्हें बोलते हैं बेटा फेस कार्ड, क्योंकि इनपे, इन कार्डों पे फेस बने होते हैं, इनको फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 10, जिसमें आपने पूरा कार्ड्स के बारे में पूरा एक टेबल बनाया है। ये पूरा आपको टेबल अच्छे से बना लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि ये जीवन भर काम आएगा। ये नहीं कि केवल 10th में, आगे की कोई भी बड़ी पढ़ाई करोगे उसमें भी ये टेबल काम आएगा। लास्ट रूल पे आता हूं बेटा, रूल नंबर 11, सारे रूल खत्म, उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं दुनिया का कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का 10th स्टैंडर्ड पर आप कैपेबल होंगे, अगर ये आपको 11 रूल मेरे आते हैं। ये 11 रूल ऐसा नहीं कि मैं मुंह उठा के आ गया आपको कराने लग गया, नहीं, मैंने पिछले 15 साल का पेपर स्टडी करा, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, पीके कर, बहुत सारी किताबें आती है मार्केट में, उसके बाद मैंने प्रीवियस 15 इयर्स का पेपर डिस्कस करा, सबको मिला के मैं रूल्स 11 तैयार कर दिया कि भाई ये रूल्स 11 पढ़ लो, दुनिया का हर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आप पिछले 10 साल का कोई भी पेपर उठा लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो रूल्स 11 पे आते बेटा, लास्ट रूल है, लिखो रूल 11। कुछ बातों का आपको याद रखना है, कुछ नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में गलती हो जाती है। एक होता है बेटा इवन नंबर, आप सबको पता है इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड होता है, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सब इवन नंबर में आएंगे। एक आपको याद रखना है ऑड नंबर, ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, 1, 3, 5, 7, 9 इन्हें बोलते हैं ऑड नंबर। हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख लो बेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा सम संख्या, इसे बोलेंगे सम संख्या, इवन को बोलेंगे सम संख्या और ऑड को बोलेंगे बेटा विषम संख्या, विषम संख्या। सर जी क्या बता रही है, तो हमें सब आता है, बहुत अच्छी बात है भाई, अभी बहुत कुछ आगे नया बताऊंगा। इवन लिख लिया, ऑड लिख लिया, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता। इसके अलावा देखो बेटा, कई बार आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में बोलेगा प्राइम नंबर, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। बेटा प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड ही नहीं होता, केवल अपने आप से डिवाइड होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3, देन 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, आपको खुद डिसाइड करना है, जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है। ये सभी नंबर केवल अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते, इसलिए अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी जिससे किसी से भाज्य नहीं होता, किसी से भाग नहीं होता, प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये सभी नंबर प्राइम नंबर के अंदर है, याद है, सबसे ज्यादा पेपर में यही आता है प्राइम नंबर के क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आ रहे हैं। तो एक तो प्राइम नंबर का ध्यान रखना कि जो अपने आप से डिवाइड होता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर के बाद अब आते हैं बेटा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, हिंदी में बोलते बेटा पूर्ण वर्ग। ये पूर्ण वर्ग क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो अंडर रूट से डायरेक्ट बाहर जाता है, जैसे अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे 2 आएगा, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, समझ में आ रहे हो, 8 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर 81, तो 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121, तो 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है, एंड सो ऑन, ऐसा कोई भी नंबर लिख सकते हो जो अंडर रूट से डायरेक्ट बाहर जाता है उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। भाई इनमें से कोई भी नंबर अंडर रूट से डायरेक्ट बाहर है क्योंकि इनके पेयर बन जाते हैं, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो इन नंबरों के अलावा ये चार बातें, ये रूल नंबर 11 था, ये आपको याद रखना है, चार इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, बाकी मैं सब करा दूंगा, बस ये चार चीज याद रखना। ये थे हमारे रूल 11, अगर ये रूल 11 आपको याद हो जाए फिर देखना कितना मजा आएगा आपको एक्सरसाइज करते हुए, बहुत जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा अगर ये 11 के 11 रूल हमें आते हो। तो पहले 11 रूल आपको अच्छे से याद करना है, पहले अच्छे से समझ लेना है, इसमें कोई भी रूल्स में आपको डाउट होता है कि कोई चीज समझ नहीं है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, पहले रूल्स पढ़ेंगे फिर हम आएंगे एक्सरसाइज पे, फिर मैं आपको देखना कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज का या प्रीवियस ईयर का भी कोई क्वेश्चन उठा लूंगा, आपको सर जी आता है क्योंकि हमें तो रूल्स पढ़ लिए, तो रूल्स पे फोकस करना। ठीक है बेटा,
देखिए बेटा, अब तक आपने सारे रूल समझ लिए, अब सारे रूल समझने के बाद आप देखोगे कि आप इवन हर क्वेश्चन को करने के कैपेबल बन गए हो। केवल एनसीईआरटी नहीं है, अब अगर एनसीईआरटी के बाहर के भी आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए 15.1 स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 15.1 का पहले का पहला पार्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सॉल्व करना है। आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का मतलब होता है पीई, पीई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, इन दोनों को कह रहा है प्लस करने पर क्या आएगा। आपको याद होगा शायद कई बच्चों को, मैंने बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर वन का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है बेटा पीई और प्लस पीई नॉट। आप सबको याद होगा कि पीई और पीई नॉट, इसका मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि पीई और पीई नॉट दोनों मिलकर इक्वल टू वन होता है। शाबाश, तो इक्वल टू वन। ठीक है, सब कुछ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। कॉन्सेप्ट याद है तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा, पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी आपको याद होगा मैंने बताया था जीरो, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकता उस चीज की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको समझाया था कि उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, बताओ उस जो नहीं हो सकता मैंने उसका नाम दिया था, उस इवेंट को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। शाबाश, तो यहां पे आएगा बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। तो दो आंसर आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि दो फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं बेटा, सेकंड पार्ट। तो पहले तो लिखूंगा जो पहले पार्ट का, तो आंसर होगा जीरो, पहले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर जीरो होगा, और दूसरे का आंसर होगा बेटा इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? असंभव घटना। हिंदी में लिख देता हूं बेटा, इसे लिखोगे असंभव घटना। जीरो तो सेम ही लिखोगे, बस ये वाला लिखना असंभव घटना, जो पॉसिबल नहीं है उसको मैंने आपको कहा था उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, आपको कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ जो होगा ही होगा, जो फिक्स है। याद करो मैंने एग्जांपल दिया था बॉल, रेड बॉल का एग्जांपल दिया था, ये चीज फिक्स है कि वो होगा ही होगा, तो बच्चों उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो वन होती है। याद करो उसकी प्रोबेबिलिटी वन के इक्वल होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप वन लिखोगे। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी, और आपको याद होगा मैंने इसका नाम बताया था सच इवेंट, सच इवेंट, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। इस प्रकार के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के बेटा इवेंट को हम श्योर इवेंट के नाम से जानते हैं। तो यहां पे आएगा श्योर इवेंट, तो जो होगा ही होगा, जो फिक्स है होना ही होना, उसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी और उसको श्योर इवेंट के नाम से जानते हैं। तो आंसर में आते हैं बेटा, आंसर देखो, आंसर में क्या लिखोगे? थर्ड पार्ट पे आता बेटा, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का आंसर पहले तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी वन, क्योंकि जो होगा ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है, और इसे बोलते हैं बेटा श्योर इवेंट, इसे श्योर इवेंट के नाम से जानते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? निश्चित घटना। तो हिंदी में लिख देना बेटा निश्चित घटना, इसे निश्चित घटना कहते हैं, श्योर इवेंट के नाम से जानते हैं। जो फिक्स है होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है, उसको श्योर इवेंट कहते हैं, निश्चित घटना होती है। ठीक है, तीन पार्ट हो गए, अब आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है आपसे, फोर्थ पार्ट आपसे कह रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट इवेंट, सभी प्रोबेबिलिटी का सम। याद करो सभी प्रोबेबिलिटी का सम आपको बताया था वन होता है, तो सभी प्रोबेबिलिटी का सम वन के इक्वल होता है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर, फोर्थ पार्ट पे आते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट का आंसर लिखोगे वन। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था, एक रूल समझाया था कि सभी प्रोबेबिलिटी का जो समीशन होता है, याद करो ये वाला रूल समझाया था कि सभी प्रोबेबिलिटी का समीशन इक्वल टू वन होता है, ये रूल समझाया था ना। तो यही चीज आपसे पूछ रहा है कि सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, तो सभी प्रोबेबिलिटी का सम वन के इक्वल होता है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको केवल रिवाइज के लिए यूज कर रहा था ताकि आपको दोबारा समझा सकूं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बेटा फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, इसका क्या मतलब है? आप याद करो मैंने आपको कहा था प्रोबेबिलिटी का आंसर मिनिमम क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का आंसर मिनिमम जीरो होता है, शाबाश, और मैक्सिमम वन होता है। यही आपसे पूछ रहा है, पढ़ो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन जीरो हमेशा जीरो से बड़ा होगा,
एंड लेस देन और इक्वल टू वन, और वन से छोटा होगा। प्रोबेबिलिटी के सारे आंसर जीरो और वन के बीच में होते हैं, तो पहला आंसर जीरो आएगा, दूसरा आंसर वन आएगा। तो फिफ्थ पार्ट पे आता है बेटा, फिफ्थ पार्ट का आंसर लिख देता हूं मैं। पहले में आप जीरो भरोगे और दूसरे में आप वन भरोगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो पांच फिल इन द ब्लैंक्स थे वो करने हैं। अच्छा एक चीज और, कई बच्चे फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स इनको सीरियस नहीं लेते, मैं आपको बता दूं सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, एमसीक्यू आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आती है, ट्रू फॉल्स भी आए हुए हैं, जो मार्किंग 20 मार्क्स के आपको पता होगा, नया मार्किंग स्कीम आ चुकी है, तो इसलिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना भी जरूरी है। वन मार्क्स में पूछ लेते हैं, वन मार्क्स में पूछ लेंगे आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में यही चीज पूछ लेंगे, तो आप करके जाना, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया बेटा। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, तो लिख देता हूं मैं पहले ही क्वेश्चन नंबर टू। पहले क्वेश्चन नंबर टू पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर टू पे आओ बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर टू आपसे क्या कह रहा है बेटा, Which of the following experiment have equally likely outcomes? कौन सा equally likely outcomes है? Equally likely outcomes आपको याद होगा, equally likely outcomes वो outcomes होते हैं जिसमें दो केस होती है और दोनों के आने की संभावना इक्वल होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक कॉइन को हमने टॉस करा, तो हेड और टेल, जो हेड आने की संभावना है वही टेल आने की संभावना है, तो दोनों के आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है। तो कह रहा इनमें से कौन सा इक्वली लाइकली इवेंट होगा, चार आपको ऑप्शन दिए हुए, हमें चूज करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर बताता हूं, फिर आपको रीजन ही बताऊंगा कि क्यों है और क्यों नहीं है, ध्यान से सुनना। पहला, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है, ध्यान सुनना, एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करना, आरंभ करता है, अटेम्प्ट करता है, स्टार्ट हो जाए, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होगा या स्टार्ट नहीं होगा बेटा, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। पहला पार्ट इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि जो कार का स्टार्ट करना है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, मशीनरी के बहुत सारे पार्ट्स पे डिपेंड करता है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। जहां क्लियरली होता है, जैसे हेड और टेल क्लियरली है, ट्रू एंड फॉल्स क्लियरली है, ठीक है, आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं ना वो होते हैं इक्वली लाइकली। अब कार को स्टार्ट करना, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा, तो इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। तो दूसरे का पहला पार्ट, ठीक है, एक बार एक काम करता हूं, मैं पहले चारों पार्ट बताता हूं, फिर एक साथ आंसर लिख लेंगे। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, अब एक अटेम्प्ट क्या करता है, एक बास्केटबॉल को शूट करता है, बास्केटबॉल खेल रहा है, शी और ही शूट और मिस द शॉट, मतलब या तो वो शॉट को सही मारेगा या वो मिस कर देगा। अब ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, आप कहोगे ये इक्वली लाइकली इवेंट क्यों नहीं है, सेकेंड पार्ट भी इक्वली लाइकली इवेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो प्लेयर ने बास्केटबॉल को शूट करा तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसका शॉट जो था वो सही जाएगा या मिस हो जाएगा, ये भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो चीजें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं आते हैं, वो इक्वली लाइकली इवेंट में नहीं आते। थर्ड पार्ट देखो, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स, क्या बोला, ट्रू फॉल्स, और यहां पे क्लियरली है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप इस चीज को समझो, इन दोनों में इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पे क्लियर है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो दो ही ऑप्शन है, या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है, थर्ड जो होगा वो इक्वली लाइकली इवेंट होगा, क्योंकि यहां पे दो ही ऑप्शन है, राइट और रॉन्ग, ट्रू या फॉल्स, इसलिए इक्वली लाइकली इवेंट है। फोर्थ पार्ट देखो, अ बेबी इज बॉर्न, एक बच्चा पैदा होता है, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ये लड़का होगा या लड़की होगा, तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, लड़का और लड़की, तो दो ही ऑप्शन है ना, इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट के अंदर आता है। तो शुरू के जो दो पार्ट है वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, और जो लास्ट के थर्ड एंड फोर्थ है वो इक्वली लाइकली इवेंट है। तो आंसर क्या लिखोगे बेटा, आंसर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में लिखोगे नो, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, रीजन आपसे नहीं पूछ रहा, अगर रीजन पूछे तो आप लिख सकते हो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, ये कई चीजों पर निर्भर करता है, गाड़ी का स्टार्ट होना कई चीजों पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, ऐसा ही सेकंड पार्ट का आंसर भी नो आएगा, क्योंकि वो भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड पार्ट का आंसर क्या लिखोगे बेटा, थर्ड पार्ट का आंसर यस लिखोगे, क्योंकि या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और ऐसे ही फोर्थ पार्ट का आंसर भी यस लिखोगे, क्यों यस लिखोगे, क्योंकि या तो लड़का होगा या लड़की होगी, क्लियर हो गया। तो
इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको करके जाना है। ये नहीं कि आप इन क्वेश्चनों को मैं देखता हूं बच्चे काट देते हैं, नहीं करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हो। सब कुछ पढ़ के जाना है। बोर्ड का एग्जाम वही बहुत अच्छा करके आ सकता है जो ये मान के चल रहा है कि मुझे एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल समझ के जाना है, सब कुछ पढ़ के जाना है, ये भी करके जाना है। ठीक है, अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री पे। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर थ्री को समझते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर थ्री को पहले आप समझेंगे, उसके बाद इसका आंसर करना स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है व्हाई इज टॉसिंग अ कंसीडर टू अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। आप में से अगर किसी बच्चे ने फुटबॉल गेम देखा होगा स्टार्ट होते हुए, तो पहले कॉइन को टॉस किया जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है और फिर डिसाइड होता है कि सबसे पहले बॉल कौन किक मारेगा, टीम ए किक मारेगा या टीम बी स्टार्टिंग कौन करेगा। तो ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को उछालना, फेयर वे ऑफ कंसीडरिंग विच टीम शुड गेट, ये सही तरीका क्यों है? एक कॉइन से ही क्यों डिसाइड करते हैं, कॉइन को उछाल के ही क्यों डिसाइड करते हैं हम लोग कि भाई कौन सी टीम। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि भाई कॉइन उछाल के डिसाइड होता है कि आप बैटिंग करोगे बॉलिंग करोगे। फुटबॉल में भी ये डिसाइड होता है, कॉइन उछाल के डिसाइड होता है कि कौन पहले बॉल को पास करेगा। तो कॉइन को उछालना सही क्यों माना जाता है? क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट है। दो ही ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो बिकॉज इट इज इक्वली लाइकली इवेंट, ये एक इक्वली लाइकली इवेंट है, बराबर संभावित घटना है। क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चांस है, कुछ और चांस तो हो नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज इट इज इक्वली लाइकली इवेंट। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का बेटा आंसर कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर थ्री का बेटा आंसर, बिकॉज इट इज अ इक्वली लाइक इवेंट। हिंदी में क्या लिखोगे? क्योंकि यह बराबर संभावित घटना है। यह बराबर संभावित घटना है, यानी इक्वल है कि हेड और टेल में से कोई एक आएगा। तो क्योंकि ये इक्वली लाइक इवेंट है, इसलिए कॉइन को उछालना सही माना जाता है किसी भी गेम के अंदर। तो आपको ये लिखना है बेटा, बिकॉज इट इज इक्वली लाइक इवेंट, क्योंकि इक्वली लाइक इवेंट है इसलिए कॉइन को उछालना सही माना जाता है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, वन मार्क्स में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फोर पे आता है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर देखो बेटा, ध्यान से पढ़ना। Which of the following cannot be probability? कौन सा इसमें से probability नहीं हो सकता? तो देखो, माइनस का probability नहीं हो सकता, बाकी सारे probability possible है। 2/3, 2 को 3 से divide करोगे 0.6 आएगा। मैंने कहा था 0 और 1 के बीच माना चाहिए, आ रहा है 15% का मतलब होता है 0.15, जो कि 0 और 1 के बीच में है। 0.7 ये भी 0 और 1 के बीच में है, लेकिन माइनस, माइनस मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता। मैंने आपसे क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, ये माइनस है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? तो माइनस का 1.5 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। तो फोर्थ पार्ट का जो आंसर होगा बेटा वो बी होगा। तो आप लिखोगे फोर्थ पार्ट का जो आंसर होगा वो बी पार्ट होगा, ठीक है, ये आपको आंसर लिखना है, ये बी पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव पे, क्वेश्चन नंबर फाइव, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो आपको क्या दे रखा है, पहले पढ़ो, पीई दे रखा है 0.05, पीई आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है नॉट ई, पीई गिवन है और पीई नॉट पूछ रहा है। याद करो मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था, पीई और पीई नॉट, क्या दोनों का रिलेशन आपको पता है? पहले क्वेश्चन में भी आपने किया, अभी भी पहले क्वेश्चन में आपने कॉपी में लिख रखा होगा, पीई और पीई नॉट का रिलेशन याद है किसी बच्चे को? बताओ जरा क्या लिखवाया था, अगर किसी को पता है तो बताओ, पक्का बताओ। फॉर्मूला लिखवाया था आपको सर जी, पीई प्लस पीई नॉट दोनों मिलकर इक्वल टू होता है 1, याद होगा सभी बच्चों को, पीई प्लस पीई नॉट दोनों मिलकर 1 होता है, पता है आपको। अब आपको देखो पीई की वैल्यू गिवन है, पीई की वैल्यू कितनी है, पीई की वैल्यू गिवन है 0.05, तो पीई की जगह, पीई की जगह लिखेंगे 0.05, क्योंकि पीई की वैल्यू मुझे गिवन है।
पीई की वैल्यू गिवन है 0.05 मुझे दे रखा है, प्लस बेटा पीई नॉट की वैल्यू नहीं दे रखा, तो पीई नॉट की जगह पीई नॉट, बेटा 1 की जगह 1 आएगा, पीई नॉट की जगह पीई नॉट लिखोगे, 1 की जगह 1 लिखोगे, और ये जो प्लस का है ये आपका आरएचएस में आके माइनस हो जाएगा 0.05। दोबारा एक बार समझ लो, पीई प्लस पीई नॉट दोनों मिलकर 1 होता है, पीई की वैल्यू 0.05 दे रखा है, पीई नॉट मुझे पता नहीं है, 1 की जगह 1, ये जो प्लस का है ये आपका माइनस हो जाएगा। अब 1 में से जब 0.05 1 में से माइनस करने का तरीका बताता हूं, 1.00 पॉइंट वाला माइनस के बच्चों को नहीं आता तो सीख लो, 1.00 लिख लो और 0.0005 सॉरी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, क्लियर हो गया, ये 9, 9 में से 0 गया 9 और ये जो 1 था वो कैरी हो गया तो 0, तो 1 में से जब 0.05 को माइनस किया तो हमारे पास आया 0.95, तो ये जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एक बार दोबारा समझना चाहो दोबारा समझ लो, PE प्लस PE नॉट दोनों मिलकर 1 होता है, PE की वैल्यू 0.05 है, PE नॉट हमें पता नहीं है, 1 की जगह 1, ये प्लस का आपका माइनस हो गया, 1 में से 0.05 माइनस कर दोगे तो 0.95 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार आया था, 1 मार्क्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, एक बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज है, एक बैग में केवल लेमन जो नींबू के स्वाद वाला कैंडीज है, एक बैग के अंदर केवल लेमन वाले हैं, नींबू के स्वाद वाले हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू द बैग। अब मालिनी ने क्या करा, इस कैंडी में से बहुत सारे कैंडी हैं, लेमन वाले कैंडी हैं, मालिनी ने एक कैंडी निकाल लिया। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसे ऑरेंज फ्लेवर कैंडी मिलेगा। भैया ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कहां से आएगा, बैग में कौन सा कैंडी है, लेमन वाला, और ये क्या पूछ रही है, पूछ क्या रहा है, ऑरेंज फ्लेवर, तो भैया जब बैग में सारे के सारे लेमन हैं तो ऑरेंज फ्लेवर कहां से आएंगे, नहीं आ सकते ना, तो इसी टाइप को मैंने बोलता है इंपॉसिबल इवेंट, ये इंपॉसिबल है, जब बैग के अंदर सारे के सारे लेमन वाले हैं तो ऑरेंज वाला तो नहीं आ सकता, तो ये इंपॉसिबल इवेंट है, और हम जानते हैं बेटा कि इंपॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, जो पहले पार्ट का प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 होगा, डायरेक्ट आंसर आप 0 लिखोगे, फॉर्मुला वाला कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप को फॉर्मुला नहीं लगते, क्योंकि आपको नंबर नहीं दे रखा, केवल यही पूछ रखा है कि एक बैग के अंदर, आप ये समझो एक बैग के अंदर केवल सारे के सारे ऑरेंज सॉरी लेमन वाले कैंडीज हैं, ये मान लो एक तरह से मैंने कहा कैंडीज हैं, सारे के सारे लेमन वाले कैंडीज हैं, और लेमन वाले कह रहे ऑरेंज निकालो, ऑरेंज कहां से निकालोगे, ऑरेंज तो है नहीं, तो इंपॉसिबल हो गया, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अ लेमन फ्लेवर कैंडी, अब इसमें से कह रहा है लेमन फ्लेवर कैंडी निकालो, तो भैया लेमन है कोई सा भी निकालोगे लेमन ही होगा, नींबू वाले कैंडीज है ना कोई सा भी निकालो नींबू वाला ही होगा, तो लेमन फ्लेवर कैंडी इसे बोलते हैं श्योर इवेंट, क्योंकि सारे के सारे लेमन फ्लेवर ही हैं, कोई सा भी निकालोगे लेमन फ्लेवर का ही होगा, जब सारे ही लेमन वाले हैं कोई सा भी निकालोगे लेमन फ्लेवर का ही होगा, तो इसे बोलते हैं बेटा श्योर इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो आप सेकंड पार्ट का आंसर लिखोगे बेटा, 6 के सेकंड पार्ट का आंसर पीई इक्वल टू 1, 1 क्यों आया, क्योंकि ये श्योर इवेंट है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्लियर हो गया। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 तक हो गया बेटा, अब आते हम 7 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखो यहां से आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, एग्जाम वाले जो अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो यहां से आपके स्टार्ट होते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 बच्चे हैं, ठीक है, एक ग्रुप में 3 बच्चे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि उनका बर्थडे एक दिन नहीं होगा, नहीं होगा, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992, सेम बर्थडे नहीं होगा, नॉट की प्रोबेबिलिटी, फोकस करो नॉट, नॉट वर्ड लिखा हुआ गया और नॉट का मतलब होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं नॉट का मतलब होता है पीई नॉट, इस चीज को जितना जल्दी याद कर लोगे उतना आपके लिए फायदा है। उसने बोला नॉट, तो नॉट का मतलब होता है पीई नॉट, पीई नॉट हमें कितना दे रखा है 0.992, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों का सेम बर्थडे होगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में यह है बेटा कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना बेटा, एक बार चेक कर लूं, हाँ जी 7 ही है क्वेश्चन नंबर 7,
आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पीई और प्लस पीई नॉट, और मुझे लगता है मेरे हर बच्चे को पता होगा पीई और पीई नॉट दोनों मिलकर इक्वल टू वन, शाबाश वन आएगा। अब हमें किसकी वैल्यू रखी है, पीई नॉट की वैल्यू गिवन है 0.992, पीई हमें फाइंड करना है। तो देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, पीई की जगह पीई लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, पीई नॉट हमें दे रखा है 0.992, पीई नॉट हमें दे रखा है, उनका बर्थडे सेम नहीं होगा, नहीं मतलब नॉट, और नॉट का मतलब ये 0.992 हमें गिवन है, इक्वल टू लिखेंगे बेटा वन, पीई की जगह लिखेंगे पीई एज इट इज, पीई की जगह पीई, बेटा वन की जगह वन लिखोगे ये प्लस का पूरा हो जाएगा माइनस 0.992 माइनस कर देंगे, ये जो प्लस का है ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस की चीज माइनस में पहुंच जाएगी। तो पीई की जगह आप क्या लिखोगे, पीई लिखोगे और वन में से माइनस करोगे 0.992, और अभी मैंने माइनस करना बताया था कि 1.000 लिख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, 0.992 माइनस करोगे तो 1 कैरी करोगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये 1 कैरी हो गया तो 0 बचा, तो क्या बचा 0.008, ये जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया बेटा, सही बच्चों को समझ में आ गया, एक बार लास्ट बार समझ लो, पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1 हम सबको पता है, पीई हमें पता नहीं है, पीई नॉट की वैल्यू 0.992, 1 की जगह 1, ये प्लस का क्या हो गया माइनस, 1 में से 0.992 माइनस कर दोगे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आ गया, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं कि कह क्या रहा आपसे, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 समझो पहले, आपसे कह रहा है अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, ध्यान सुनना, एक बैग में 3 रेड बॉल है, 3 लाल गेंद है, एक बैग के अंदर 3 लाल गेंद है, 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स, और 5 ब्लैक बॉल है, 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो वापस क्वेश्चन आते हैं, आप इस तरह समझो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू, देखो रेड बॉल कितने दे रखे हैं, देख लो रेड बॉल्स आपको 3 दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू 3, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, लाल गेंद की संख्या हमें 3 दे रखी है, नंबर ऑफ रेड बॉल 3 दे रखा है, नंबर ऑफ रेड बॉल 3 है, ठीक है, और क्या दे रखा था, दूसरा क्या दे रखा था कि ब्लैक बॉल 5 है, ब्लैक बॉल 5 है, तो क्या लिखेंगे बेटा, मैं ब्लैक से लिख देता हूं आपको अच्छा लगेगा, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स बेटा 5 है, हिंदी में क्या लिखोगे, काले गेंद की संख्या, काले गेंद की संख्या 5 है, लाल वाले 3 गेंद है, काले वाले 5 गेंद है, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, 3 और 5 टोटल तो 8 हो गए ना, तो आप लिखोगे टोटल बॉल, यहां लिखना पड़ेगा आपको, इस प्रकार से एग्जाम में करना है, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, टोटल बॉल्स कितने हो गए, 3 रेड वाले 5 ब्लैक वाले, टोटल हो गए 8 बॉल, हिंदी में लिखोगे बेटा कुल गेंद, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है एग्जाम के अंदर, पहले रेड बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 5 है, टोटल बॉल 8 है। क्लियर हो गया, जब ये सब बातें आप लिख लोगे उसके बाद आप फॉर्मूला लिखोगे, क्या तुम में से किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है बेटा, फॉर्मूला क्या लिखते थे, पीई, पीई इक्वल टू, अब फॉर्मूला किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, मैं जो सबसे अच्छा मानता हूं फॉर्मूला वो ये मानता हूं, फेवरेबल आउटकम्स, बस ये लिख दो फेवरेबल आउटकम्स, या पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हो, फेवरेबल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, अपॉन में टोटल आउटकम्स, ये लिख देना फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, हिंदी में लिख सकते हो आप संभावित, संभावित घटना या संभव घटना, यहां लिख सकते हो आप हिंदी में लिख लो बेटा संभव घटना, संभव घटना, और यहां लिख लो बेटा कुल घटना, कुल घटना मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी वो ऊपर और टोटल नीचे, ये फॉर्मा लिख देंगे। अब देखो इसका आंसर कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखना एक एक चीज को, ध्यान से देखो, रेड बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 5 है, टोटल बॉल 8 है, हमने फॉर्मूला, हम कहीं मौका दे नहीं रहे टीचर को कि वो मार्क्स काट ले हमारा,
मौका देना नहीं है। बच्चा क्या करता है, ये सब नहीं लिखता ना, फॉर्म लिखता है, डायरेक्ट आंसर कर देता है, मार्क्स कटेंगे आपके, इस बात को ध्यान लो। अगर पूरे नंबर चाहिए, पूरे नंबर चाहिए तो स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे, रेड बॉल 3, ब्लैक बॉल 5, टोटल बॉल 8, फॉर्मूला इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। जो जो दिया है पहले वो लिखो, फिर टोटल, जो दिया है पहले वो, फिर टोटल हमेशा, उसके बाद फॉर्मूला। अब देखते हैं हमें पूछ क्या रहा है। अब आओ क्वेश्चन पर, देखो ध्यान से, आपसे पूछ रहा है अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, एक बॉल को बैग में से निकाला गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बॉल इज रेड, इस बात की प्रायिकता निकालोगे वो रेड होगा, रेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो देखो बेटा रेड की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बेटा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो यहां लिखेंगे पी और ब्रैकेट में लिखेंगे रेड, क्योंकि हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, लाल, लाल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आप देखो क्वेश्चन में रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल 3 हैं, रेड बॉल कितने हैं 3 हैं, तो देखो कैसे करते हैं आंसर, जो रेड बॉल है वो ऊपर आएगा और जो टोटल है वो नीचे आएगा, टोटल 8 था, रेड बॉल 3 है और टोटल 8 है, जो पूछेगा वो ऊपर और जो टोटल होगा वो नीचे, बस हो गया आंसर, इतना ही करना आपको, ठीक है। अब आता है सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है नॉट रेड, रेड नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए, तो भैया रेड नहीं होगा तो ब्लैक होगा, क्योंकि दो ही बोलते रेड और ब्लैक, कह रहा रेड नहीं होगा नॉट, अब कह रहा नॉट रेड, नॉट रेड का मतलब ब्लैक होगा, रेड नहीं होगा तो ब्लैक होगा, तो ब्लैक का निकाल लो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो नॉट रेड लिखेंगे, नॉट रेड, नॉट रेड, लाल नहीं, कह रहा लाल नहीं होगा, लाल नहीं होगा मतलब ब्लैक होगा, और ब्लैक ही था ना, ब्लैक बॉल कितने थे, ब्लैक बॉल आपके 5 थे, तो ब्लैक बॉल 5 अपॉन में 8, तो ये जो होगा बेटा वो फर्स्ट पार्ट का आंसर और ये जो होगा वो सेकंड पार्ट का आंसर, समझ में आ गया, रेड बॉल 3 अपॉन 8 क्योंकि रेड 3 थे और ब्लैक बॉल 5 अपॉन 8 क्योंकि ब्लैक बॉल 5 थे, इस तरह से बेटा आंसर करना है। देखो मेन है प्रेजेंटेशन, कि आप आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हो, इस बात के मार्क्स होते हैं, पहले जो गिवन है वो लिखो, टोटल लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर जो पूछे वो लिखो। आप कई बार देखते हो कई बच्चे कहते हैं कि यार मैं पूरा पेपर करके आता हूं, मैं मार्क्स नहीं आते, मार्क्स इसलिए नहीं आते ना, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सिर्फ आंसर लिखना मार्क्स नहीं है, तरीका भी आना चाहिए, पहले जो गिवन है वो लिखो, फिर टोटल लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर जो पूछे ऊपर, टोटल नीचे, इस प्रकार से आपको आंसर करना है। क्लियर हो गया। अब आते बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे, मैं पहले लिख लेता हूं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखो ये रहा क्वेश्चन पे, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो पहले जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूं इसका आंसर कैसे करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल, एक बॉक्स में 5 रेड बॉल है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, मान लो 5 रेड बॉल है, 8 व्हाइट मार्बल्स है, 8 क्या है, व्हाइट मार्बल्स है, ऐसे ही 8 जो है वो व्हाइट कलर के हैं, 4 जो है वो ग्रीन कलर के हैं, ठीक है, इस टाइप के 3 मार्बल, रेड दिया हुआ है, व्हाइट दिया हुआ है, ग्रीन दिया हुआ है, 3 चीज दी हुआ ना, रेड व्हाइट एंड ग्रीन, तो पहले इन तीनों को लिखेंगे, फिर टोटल, फिर फॉर्मूला, फिर आंसर निकालेंगे। तो पहले जो गिवन है पहले उन्हें लिखेंगे, तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं, रेड मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स और ग्रीन मार्बल्स, आओ बेटा रेड मार्बल्स, रेड मार्बल्स जो है बेटा, रेड मार्बल्स कितने थे, देखो रेड मार्बल्स आपको 5 दिया हुआ है, तो रेड मार्बल्स इक्वल टू 5, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, लाल कंचे, लाल कंचे 5 है रेड मार्बल्स। अब आपको दिया हुआ व्हाइट मार्बल, चलो व्हाइट तो नहीं है मेरे पास, मैं दूसरा ले लेता हूं व्हाइट मार्बल के लिए, ये वाला ले लेता हूं व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स जो है वो 8 दिया हुआ है, सफेद कंचे, सफेद कंचे दिया हुआ 8 है ना, व्हाइट मार्बल्स 8 दिया हुआ है, देख लो व्हाइट मार्बल्स 8 है और ग्रीन मार्बल्स 4 है, तो ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स बेटा 4 है, ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स बेटा 4 है, हरे कंचे, हरे कंचे जो है वो 4 है। क्लियर हो गया। देखो 3 चीज हमें देखी थी, रेड मार्बल्स 5 है, व्हाइट मार्बल्स 8 है, ग्रीन मार्बल्स 4 है, पहले जो दे रखा है वो लिखो, अब इसका टोटल, तो क्या लिखेंगे, टोटल मार्बल्स, बिल्कुल तरीके से एग्जाम में करना है, टोटल मार्बल, टोटल मार्बल कैसे होगा, जब इन सबको प्लस करेंगे 5, 8 सॉरी बेटा 5, 8, 4 तीनों को प्लस करोगे तो 5 और 8 13 और 4 17, तो टोटल मार्बल हो गए बेटा 17, टोटल मार्बल कितने हो गए 17 जो अपॉन में आता है। अब फॉर्मूला लिखोगे
तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा, फॉर्मूला क्या था, पीई इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, फेवरेबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, हिंदी में लिख लो बेटा, संभव घटना, यहां आएगा संभव घटना और यहां कुल घटना, संभव घटना और कुल घटना, बस हिंदी में ये लिखना है, जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था वहीं से लिख लेना। अब पढ़ो आपसे पूछ क्या रहा है, अब देखो वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, एक मार्बल को हमने बॉक्स में से निकाल लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो रेड होगा, हमें रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लाल रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलिए बेटा पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट बेटा हमें रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं लाल, हमें लाल की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो बेटा रेड मार्बल, रेड मार्बल ढूंढो, रेड मार्बल है फाइव, तो रेड मार्बल आएगा फाइव और अपॉन में टोटल, टोटल क्या है 17, हो गया पहला पार्ट, रेड मार्बल फाइव टोटल 17 हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आते बेटा, सेकेंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, व्हाइट मार्बल हो, कौन सा मार्बल हो, व्हाइट मार्बल हो, तो चलिए व्हाइट वाला निकालते हैं, व्हाइट को मैंने शायद ब्लू से लिया था, तो व्हाइट मार्बल, अब हमें व्हाइट के लिए पूछ रहा है, सफेद, सफेद कंचे हो तो व्हाइट वाले ढूंढ लो, व्हाइट वाले कितने हैं बेटा, व्हाइट वाले जो है आपके पास है, व्हाइट वाले एट है, व्हाइट वाले कितने बेटा, एट मार्बल्स है, तो एट अपॉन में 17, क्लियर हो गया, व्हाइट मार्बल 8 है अपॉन में टोटल 17। थर्ड पार्ट पे आते बेटा, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट क्या है, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो भाई ग्रीन को हटा दो, ग्रीन नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन को हटा दो, अगर ग्रीन को हटा दोगे तो कौन बचेगा आपके पास, बचेगा रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, कह रहा हरा नहीं होना चाहिए, तो हरे को हटा दो ना, बाकी जो बच गए वो लिख लो, फाइव और एट, ये फाइव और ये एट, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो थर्ड पार्ट देखो बेटा कैसे करेंगे, आपसे कह रहा है नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन हरा नहीं, हरा नहीं का मतलब आपको हरे को हटा देना है, हरे को हटा दो, हरे को हटाकर बाकी जो बच गए वो लिख दो, देखो कह रहा है ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन को हटा दो, ग्रीन नहीं होना चाहिए तो ग्रीन को हटा दिया, तो ग्रीन को हटा देंगे तो कौन कौन बचेगा, ये दोनों बचेंगे, अगर ग्रीन को हटा देंगे तो कौन कौन बचेंगे, ये वाला और ये वाला बचेगा, फाइव और एट, ये दोनों बचेंगे, तो यही हम करेंगे, क्या करेंगे देखो, नॉट ग्रीन कैसे निकालेंगे, फाइव प्लस एट अपॉन में टोटल, टोटल क्या था 17, फाइव और एट होता है 13 अपॉन में 17, तो 13 अपॉन 17 जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर, तो रेड फाइव थे, व्हाइट एट था, नॉट ग्रीन, ग्रीन को हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उनको प्लस करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करा, आई होप आप यहां तक समझ में आ गया होगा, पहले 9 क्वेश्चन नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, और 10 से आपका स्टार्ट होता है, अब तक 10 से जितने भी क्वेश्चन आप करोगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अधिकतर एग्जाम में यही साथ है, पहले नोट करो फिर 10 पे आता हूं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है एक पिगी बैंक है कंटेन 150 पैसे, मतलब एक पिगी बैंक के अंदर, एक गुल्लक के अंदर 50 पैसे वाले 100 कॉइन्स हैं, 50 पैसे के 100 कॉइन हैं, 50 रुपीज वन कॉइन, एक रुपए वाले 100 कॉइन्स हैं, 50 कॉइन्स हैं, 20 रुपीज टू कॉइन्स, दो रुपए वाले 20 कॉइन्स हैं, और 10 रुपीज 5 कॉइन्स, और 5 रुपए वाले 10 कॉइन है। कहने का मतलब यह है कि एक गुल्लक के अंदर, एक पिगी बैंक के अंदर बेटा बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो कौन कौन से कॉइन्स हैं पहले हम लिख लेते हैं। पहले देखो 50 पैसे वाले 100 कॉइन्स हैं, तो देखो कैसे लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 50 पैसे वाले आपको दिया हुआ 100 कॉइन्स, 50 पैसे वाले 100 कॉइन्स आपको गिवन है, फर्स्ट ये दिया हुआ है, सेकंड आप देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 1 रुपीज वाले 50 कॉइन्स है, 1 रुपीज वाले 50 कॉइन्स है, तो 1 रुपीज वाले रुपीज वन वाले बेटा 50 कॉइन्स हैं उस गुल्लक के अंदर। आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है, 20 रुपीज टू कॉइन, 2 रुपए वाले 20 कॉइन्स है, 2 रुपए वाले बेटा 20 कॉइन्स है, तो रुपीज टू
रुपीज टू वाले 20 कॉइंस हैं उस गुल्लक के अंदर, और एक और दिया हुआ है रुपीज फाइव वाले 10 कॉइंस है, ये आपको गिवन है। ठीक है बेटा, मतलब पिगी बैंक के अंदर चार टाइप के कॉइंस हैं, कॉइंस एक पिगी बैंक के अंदर कॉइंस आपको दिया हुआ है। कौन कौन से कॉइंस है? 50 पैसे वाले 100 कॉइंस है, 1 रुपए वाले 50 कॉइन है, 2 रुपीज वाले 20 कॉइंस है, 5 रुपीज वाले 10 कॉइंस है। तो टोटल कॉइंस हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल कॉइंस कि भैया टोटल कॉइंस कितने हैं। तो इन सब का टोटल कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 180 कॉइंस। टोटल आपके पास 180 कॉइंस है। ध्यान दो टोटल पे, ध्यान दो कि हमारे पास कुल सिक्के, जो हमारे पास कुल सिक्के हैं बेटा, टोटल कॉइंस है वो 180 कॉइंस है हमारे पास। ठीक है, ये तो हमारे पास जो है वो लिख लिया। देखिए याद रखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पहले जो गिवन है उस चीज को लिखो एग्जाम के अंदर। ये चीज गिवन थी, हमने लिख लिया। अब इसके नीचे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या था, आप में से शायद अधिकतर बच्चों को याद होगा, पीई करके मैंने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था बेटा? पॉसिबल आउटकम्स या फिर फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, ये आपको लिखना है। टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, हिंदी में क्या लिखोगे? संभावित घटना और अपॉन में कुल घटना, जो आपको पहले बताया था ना वही लिखना है। संभावित घटना अपॉन में कुल घटना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, फॉर्मूला लिख लिया। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है बेटा, पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट। एक कॉइन हमने उसमें उस पिगी बैंक से एक कॉइन निकाला हमने, और इस बात की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है कि वो कॉइन 50 पैसे वाला कॉइन होगा। कौन सा कॉइन होगा? इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो को 50 पैसे वाला कॉइन है। 50 पैसे वाला कॉइन पूछ रहा है आपसे। तो देखो बेटा 50 पैसे वाला कॉइन कैसे फाइंड करेंगे, हमें फाइंड कर, पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे वाला कॉइन हो। तो आप एक बार बताओ, सबसे पहले ये देखो कि 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं। तो 50 पैसे वाले 100 कॉइंस है, 50 पैसे वाले आपको दिख रहा हो 100 कॉइंस है। तो बेटा 50 पैसे वाले 100 कॉइंस है, तो 100 आएगा ऊपर, और अपॉन में क्या था हमेशा टोटल, और टोटल कितना था? टोटल आपके पास था 180। भाई 50 पैसे वाला पूछ रहा है ना, 50 पैसे के 100 कॉइन है, और अपॉन में हमेशा टोटल आता है, टोटल है 180। जीरो से जीरो आपका कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल भी करोगे, टू से काटोगे तो 2 5 10 होता है, 2 9 18 होता है। तो आपका आंसर जो होगा बेटा वो 5/9, ये जो होगा वो 5/9, वो आपका फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जहां कट रहा है उसे कैंसिल भी करेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन, कह रहा 5 रुपए वाला कॉइन नहीं होना चाहिए। विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, मतलब 5 वाला कॉइन नहीं चाहिए। तो 5 वाला कॉइन हटा दो, अगर मैं 5 रुपीज वाला कॉइन हटा दूं, ये कह रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपीज वाला कॉइन अगर हम हटा देते हैं तो आप देखो 100, 50 और 20 इन सबको ऐड करना पड़ेगा। वो कह रहा है 5 रुपए वाला कॉइन नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपए वाला कॉइन हटा देंगे, तो ये जो होंगे इन तीनों को प्लस करेंगे तो 170 आएगा। तो सेकेंड पार्ट करने वाला हूं मैं, सेकेंड पार्ट देखो बेटा, आपसे कह रहा है नॉट रुपीज 5, रुपए 5 नहीं होना चाहिए। आपसे ये कह रहा क्वेश्चन में कि 5 रुपए वाला कॉइन नहीं होना चाहिए। तो आप एक बार बताओ, अगर 5 रुपए वाला कॉइन नहीं होना चाहिए तो भैया 5 वाले को हटा दो और बाकी सब ऐड कर लो, तो 100, 50 और 20 ये तीनों ऐड हो जाएगा। तो इन तीनों को ऐड कर दो, कौन कौन सा ऐड होगा? 100, 50 और 20, 5 रुपए वाले को छोड़कर बाकी सबको ऐड कर दिया, और अपॉन में टोटल, अपॉन में कितना बेटा? 180। इन तीनों को प्लस करोगे तो 170 आएगा, अपॉन में 180 आ जाएगा। जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया, और क्या बचा बेटा? 17/18, ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 1/17 और 1/18 ये आपका आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन को? ध्यान से देखो, कह रहा 5 रुपए वाला कोई नहीं होना चाहिए, तो 5 वाले को हटा दो, बाकी जो बच गया वो लिख दो। जिसने कॉन्सेप्ट समझा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि कल को अगर एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन भी आ गया तो आप कैपेबल होंगे उस क्वेश्चन को आंसर करने में। तो कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो बेटा क्वेश्चन 11 पे आते, देखो बेटा क्वेश्चन 11 क्या कहता है आपसे। गोपी बाय अ फिश, गोपी को मछली खरीदना है फ्रॉम ए शॉप, एक दुकान से, फॉर हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम के लिए मछली खरीदना है, ठीक है, फिश खरीदना है उसे। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश, शॉपकीपर जो है वो एक फिश निकालता है रैंडम फ्रॉम अ टैंक, एक टैंक में से बहुत सारे टैंक के अंदर बहुत सारी मछलियां होंगी, उसमें से एक मछली वो निकालता है शॉपकीपर, और उसके टैंक के अंदर बेटा 5 मेल फिश है। इस बात पे ध्यान दो,
टैंक के अंदर 5 मेल फिश है एंड 8 फीमेल फिश है। देखो मैं आपको बार बार कहता हूं, पहले जो गिवन है वो लिखो, पहले जो चीज गिवन है पहले वो लिखो, आपका आधा काम कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले मेल फिश एंड फीमेल फिश लिख लेते बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, सबसे पहले क्या करता है आपसे, मेल फिश जो है वो 5 है, तो यहां लिखेंगे बेटा मेल फिश, मेल फिश हमारे पास 5 है। हिंदी में लिखे बेटा नर मछली हमारे पास 5 है, ठीक है बेटा। दूसरा हमें क्या दे रखा है, फीमेल फिश, जो फीमेल फिश है बेटा वो हमारे पास 8 है, मादा मछली, ठीक है बेटा। मेल फिश एंड फीमेल फिश हमारे पास 2 चीज दे रखी है। अब मेल फिश एंड फीमेल फिश के बाद टोटल लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको बार बार कह रहा हूं मैं, टोटल तो करना ही पड़ेगा आपको कुल, तो टोटल कर लो भाई, मेल है आपके पास 5 और फीमेल है आपके पास 8, टोटल हो गया 13। हमेशा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, कि पहले जो गिवन है वो लिखना है, उसके बाद फॉर्मूला, देखो स्टेप याद कर लो, पहले जो गिवन है वो लिखना है फिर फॉर्मूला लिखना है, गिवन था वो लिख लिया अब फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, PE इक्वल टू, मैं आपको कई बार बता चुका हूं फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो यहां लिखेंगे बेटा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। हिंदी में लिख लोगे बेटा, हिंदी में लिखवाया था मैंने आपको, यहां लिखना बेटा संभव घटना अपॉन में कुल घटना, संभव घटना अपॉन में कुल घटना, ये हिंदी में आपको लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब देखो होता क्या है, अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो मेल हो, नर हो, नर मछली हो, मेल फिश हो, तो हमें केवल मेल फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा आपको मेल फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो मेल फिश यहां क्या लिखोगे बेटा, पी और यहां ब्रैकेट में आएगा मेल, क्योंकि हमें केवल नर मछली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमें केवल मेल फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप एक बात बताइए बेटा, मेल फिश कितना है, मेल फिश 5 है, तो मेल फिश आ जाएगा 5 और टोटल कितना है, टोटल आपके पास 13 है, तो टोटल 13, तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया, मेल फिश आपके पास 5 है, टोटल आपके पास 13 है, तो 5/13 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्लियर हो गया। लास्ट बार देख लो, मेल फिश आपके पास 5 था, फीमेल फिश आपके पास 8 था, टोटल आपके पास 13 हो गया, फिर आपने फॉर्मूला रिप्रेजेंट करा, फिर जो पूछा बिल्कुल तरीके से, क्योंकि मार्किंग स्कीम भी इसी प्रकार से होती है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना आपको, पहले आराम से समझ लो। अ गेम ऑफ चांस, एक गेम है चांस का, मतलब एक गेम खेला जा रहा है बेटा। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो विच कम्स टू बी पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। वो कह रहा है ये आपको दिख रहा सर्कल, इस सर्कल को घुमाया जाता है और घुमाने के बाद ये जो एरो है, ये जो तीर है, ये जो एरो है, ये किसी एक पॉइंट को करेगा, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 कहीं पे आके तो रुकेगा, तो किसी एक नंबर को पॉइंट आउट करेगा। जब इसको घुमाएंगे, आपने कभी आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम वाले के पास ये वाले होते हैं, बचपन में हम भी खेलते थे, इसको घुमाया जाता है 1, 2, 3, 4, 7, 8 तक लिखा हुआ है, जहां पर पॉइंट आउट करेगा वो नंबर आ जाएगा आपका। तो आपसे पूछ रहा है एन आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, और ये जो है सर्कल है बिल्कुल ठीक है, मतलब इक्वली लाइकली का मतलब है किसी के साथ भेदभाव नहीं है, कोई भी नंबर आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट 8, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि 8 आएगा, ठीक है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ गया, तो पहले आप ये देखो कि हमें देख क्या रखा है, हमें दे रखा है नंबर्स। आप जब तक इस बात को नहीं समझोगे कि गिवन क्या है, गिवन क्या है, नंबर्स, नंबर्स क्या है, 1 से 8 तक हमें नंबर दे रखा है, नंबर दे रखा है 1 से 8। तो पहले आंसर पे आते हैं, जो हमें गिवन है, पहले जो गिवन है वो फिट फॉर्मूला, तो पहले जो गिवन है हम उसकी बात करेंगे। चलिए बेटा, तो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का मैं आंसर करने वाला हूं बेटा। हमें नंबर्स क्या दिया हुआ है, इसे बोलते हैं सैंपल। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आता है बेटा, सैंपल। सैंपल का मतलब होता है जो हमें नंबर्स दिया हुआ है उनको रिप्रेजेंट करना। तो नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं, नंबर आपको दिया हुआ है 1, 2, 3,
फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, ये एट आपको नंबर दिया होगा, वन से लेकर एट तक आपको नंबर दिया होगा। इसमें और भी कुछ नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है, नंबर्स ही है, और कुछ तो गिवन नहीं है। तो नंबर्स लिखने के बाद आप लिखोगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला फिर भाई फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में जरूर लिखना है मार्क्स हैं इसके। तो क्या लिखोगे बेटा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, अपॉन में टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। हिंदी में क्या लिखोगे, संभव घटना अपॉन में कुल घटना। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो आपको पहले पार्ट में क्या पूछा जा रहा था, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा था बेटा, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा था एट आना चाहिए। तो एक बात बताओ, जो एट है वो कितनी बार है, एक ही बार है ना एट। तो आप सर्कल देख लो, सर्कल देखना चाहो सर्कल देख लो, ये सर्कल, इस सर्कल में एट तो एक ही बार है ना, एट जो है वो तो एक ही बार है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आठ जो है वो केवल एक ही बार है। तो इसको लिखेंगे कैसे सर जी, देखो आठ हमारे पास केवल एक ही बार है, कितने में से, आठ केवल एक ही बार है, कितने में से, टोटल कितने हैं, एट नंबर। यानी एक से लेकर आठ तक में जो आठ वाला नंबर है, एट वाला जो नंबर है वो है तो एक ही बार ना, इसलिए वन अपॉन में एट आएगा, क्योंकि एट एक ही बार है, तो वन अपॉन में एट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एन ऑड नंबर, ऑड मतलब होता है बेटा विषम संख्या, आपसे विषम संख्या की बात हो रही है कि विषम संख्या होना चाहिए, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से होंगे आपको पता होगा, ऑड नंबर बताया था मैंने आपको, आपको रूल जब सिखाए थे तब मैंने आपको बेटा ऑड नंबर बताया था, ऑड नंबर। अब एक बात बताओ बेटा, वन से लेकर एट तक में ऑड नंबर कौन कौन से, विषम संख्या बताओ कौन कौन से, विषम संख्या ऑड नंबर वो होता है जो टू से डिवाइड नहीं होता। यानी ऑड नंबर एक तो वन हो गया, एक थ्री हो गया, और एक फाइव हो गया, और एक सेवन हो गया। वन थ्री फाइव सेवन, ये टू के टेबल में नहीं आता, ये ऑड नंबर है। तो या तो आप यहां लिख लो ऑड नंबर, या तो यहां ऑड नंबर लिख लो, या चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो वन थ्री फाइव और सेवन, ये चार नंबर आपके पास ऑड नंबर आ गए। यहां चाहो तो ऑड नंबर लिख दो या नंबर लिख लो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितने नंबर है, फोर नंबर है, कितने में से, एट में से। आप फोर से कैंसिल कर सकते हो, फोर बन जा फोर, फोर टू जा एट, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन टू, टू से बड़ा हो, नंबर ग्रेटर देन टू, टू से बड़ा हो। तो बेटा टू से बड़ा इसमें, इस पूरे सर्कल में टू से बड़ा क्या क्या है, टू से ग्रेटर क्या है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है और एट है, ये सभी टू से ही तो ग्रेटर है। टू से बड़ा हो तो टू से बड़ा ऐसा ही नंबर है, तो टू से ग्रेटर पे आ जाओ। आ जाओ जी थर्ड पार्ट करते हैं बेटा, थर्ड पार्ट पे आता हूं। थर्ड पार्ट, टू से बड़ी संख्या, टू से बड़ी संख्या कौन कौन सी थी, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, ये सभी नंबर टू से तो बड़े ही है, ये सभी नंबर टू से। या तो आप यहां क्या लिख दो, ग्रेटर देन टू, देखो ये आप पे डिपेंड करता है, कोई बच्चा यहां ग्रेटर देन टू लिखता है दो से बड़ी संख्या, या कोई बच्चा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लिखता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो कितने नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स नंबर है, कितने में से, एट में से। आप टू से कैंसिल कर दो, टू थ्री जा सिक्स होता है, टू फोर जा एट होता है, तो थ्री अपॉन फोर जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आते बेटा फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, अ नंबर लेस देन नाइन, नौ से छोटा। अब इस पूरे सर्कल में नौ से कह रहा है लेस देन नाइन, नौ से छोटा, तो पूरे सर्कल में लेस देन नाइन ही तो है सारे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये सारे नंबर लेस देन नाइन ही तो है बेटा, सारे नंबर लेस देन नाइन है। तो आ जाओ आंसर पे आते हैं बेटा, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है लेस देन नाइन, तो लेस देन नाइन कौन कौन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, ये सारे ही नंबर लेस देन नाइन है। या तो यहां क्या लिख सकते हो, लेस देन नाइन, नौ से छोटी संख्या लिख सकते हो यहां, या वन से लेकर एट तक आप लिख लो। तो कितने नंबर है, एट, यहां पे एट नंबर है, अपॉन में टोटल भी एट है, तो एट से एट कैंसिल, आपका वन आएगा, तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये आपके चारों पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट में एट पूछा था, आठ तो एक ही बार है, इसमें चार नंबर आए तो फोर अपॉन एट, इसमें सिक्स नंबर आया तो सिक्स अपॉन एट, इसमें एट नंबर आया तो एट अपॉन एट, इस प्रकार से बेटा आंसर करना पड़ता है। ठीक है, तो नोट करो बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा। अब यहां से शुरू होता है डाइस वाले क्वेश्चन। डाइस वाले क्वेश्चन देखो बेटा, डाइस वाले क्वेश्चन, डाइस मतलब पासा, पासा आप सबने खेला होगा बचपन में। तो यहां से डाइस वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो
A dice is thrown once. Dice को केवल एक ही बार फेंका है हमने. जब बच्चों हम डाइस को एक बार फेंकते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था स्टार्टिंग में, जब हम पासे को एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, जब हम डाइस को उछालेंगे तो नंबर क्या क्या आ सकता है बेटा. क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहा हूं बेटा. जब हम डाइस को उछालेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. जब बेटा डाइस को आप उछालोगे, जब एक पासे को उछालोगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर आ सकता है आपका. तो 1 से लेकर 6 तक लिख लिया. अब इसमें कुछ और तो है नहीं, टोटल नंबर 6 आपको चाहो तो टोटल संख्या लिख सकते हो, टोटल नंबर 6 है, या आप सैंपल लिख दोगे बहुत है. इसके नीचे आप लिखोगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला आप सबको याद है. फॉर्मूला क्या था बेटा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स. हिंदी में लिख लोगे बेटा, संभव घटना अपॉन में कुल घटना. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, ये लिख दिया आपने. अब देखो फर्स्ट पार्ट, सबसे पहला पार्ट देखो कह रहा है. एक डाइस को हमने फेंका, जब हमने डाइस को पासे को फेंका तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है. अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो. आपको याद है प्राइम नंबर क्या बताया था? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं. चेक करो, मैंने कॉन्सेप्ट लिखवा दिया, इसलिए पहले रूल लिखवा देता हूं मैं. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं. तो देखिए 1 से लेकर 6 में कौन कौन से प्राइम नंबर है. मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर करने वाला हूं प्राइम नंबर. तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और 5 एक प्राइम नंबर है. तो 2, 3 और 5 ये 3 प्राइम नंबर है, क्योंकि ये तीनों अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते. तो 1, 2, 3 3 नंबर मिले. कितने में से 3 नंबर मिले? 6 में से 3 नंबर मिले. 6 थे ना टोटल. ये 3 नंबर जो हमें मिले 2, 3, 5 ये तीनों प्राइम नंबर है, क्योंकि अपने आप से डिवाइड होते हैं. अभाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में. ये तीनों अभाज्य संख्या है क्योंकि अपने आप से डिवाइड होते हैं. तो कितने प्राइम नंबर है? 3 प्राइम नंबर है. कितने में से? 6 में से. काट दो, 3 बन जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है. आंसर आ गया. अब आते बेटा सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 कह रहा है 2 और 6 के बीच में हो. तो 2 और 6 के बीच में चेक करो एक बार बेटा. सेकंड पार्ट पे आता हूं बेटा. एक बार बताओ 2 और 6 के बीच में क्या क्या कौन कौन सा नंबर आ रहा है? 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है. तो यहां क्या लिखोगे? 3, 4, 5 क्योंकि आपसे पूछा है 2 और 6 के बीच में. तो बेटा 2 और 6 के बीच में 3 नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं. तो 2 और 6 के बीच में 3 नंबर अपॉन में 6, 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 ये हो जाए. सेकंड पार्ट बड़ा आसान, कोई दिक्कत नहीं हुई. अब आते बेटा थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है. एन ऑड नंबर, फिर से आ गया ऑड नंबर. और ऑड नंबर आप सबको पता है ऑड नंबर क्या बताया था? जो 2 के टेबल में नहीं आता. तो ऑड नंबर देखो, आप खुद ढूंढो ऑड नंबर कौन कौन से. आप 1 से लेकर 6 में ऑड नंबर बताओ. इसमें कौन कौन से ऑड नंबर होंगे? कौन कौन से ऑड नंबर है? एक तो 1 एक ऑड नंबर है, एक 3 ऑड नंबर है, और एक 5 ऑड नंबर है, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आते. तो 3 नंबर हमें ऑड मिले, 1, 3 और 5 ये तीनों ऑड नंबर निकले. तो कितने ऑड नंबर है? 3 ऑड नंबर है, टोटल 6. तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा और 3 2 जा, ये आपका आंसर हो जाएगा. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है बेटा. क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड 52 कार्ड. ध्यान सुनो बेटा, एक कार्ड वाला क्वेश्चन है. कार्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था. एक चीज याद रखना, कार्ड वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा एग्जाम में, कभी भी ना हमें सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बाकी क्वेश्चन में क्या करते थे, भाई मेल ये हो गया, फीमेल ये हो गया, मार्बल्स हो गया, उन सब हम नंबर्स लिखते थे. 52 कार्ड्स का हम टेबल नहीं बना सकते, 52 कार्ड्स का टेबल नहीं बनाया जा सकता. तो ऐसे केस में अगर कार्ड वाला क्वेश्चन हो तो केवल हम लिख देते हैं टोटल कार्ड 52, टोटल कार्ड्स 52, बस ये लिख देंगे, ठीक है. तो 52 कार्ड्स होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15. सबसे पहले आप लिखोगे टोटल कार्ड. टोटल कार्ड जो है वो 52 है आपका. कुल पत्ते या कुल कार्ड आप कुछ भी लिख सकते हो. कुल पत्ते या आपके 52 है. उसके नीचे आप फॉर्मूला लिख दोगे. फॉर्मूला आप सबको याद होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में आता है बेटा टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में
टोटल आउटकम्स, ये लिखेंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? संभव घटना अपॉन में कुल घटना, ये फॉर्मूला लिख देंगे आप। अब देखो पूछ कर आपसे, आपसे ये पूछ रहा है कि 52 कार्ड्स में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। एक किंग होना चाहिए रेड कलर के, लाल रंग का बादशाह। देखो बेटा किंग जो होते हैं वो चार होते हैं, आपको याद होगा, बादशाह चार होते हैं, किंग चार होते हैं, तो उस चार में से कह रहा है रेड कलर का किंग। तो बेटा चार किंग होते हैं, चार में से जो रेड कलर का होता है वो टू होता है, टू रेड कलर के होते हैं और टू ब्लैक कलर के होते हैं। आप टेबल देख लें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बनवाया था, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कार्ड्स के टेबल बनाया था, उसमें जाके चेक कर लो, दो रेड कलर के किंग है और दो ब्लैक कलर के किंग होते हैं। तो रेड, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट करते हैं बेटा, अ किंग ऑफ रेड कलर। लाल रंग का बादशाह। बेटा रेड कलर के किंग केवल दो होते हैं, कितने में से? 52 में से, टोटल 52, टोटल तो 52 है ना, हमेशा टोटल अपॉन में आता है। टू से कैंसिल कर दो, टू वन जा टू होता है, टू से डिवाइड करो, टू टू जा फोर, एक कैरी करोगे तो 12 हो जाएगा, टू सिक्स जा 12, तो 1/26 ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट का कह रहा है अ फेस कार्ड। याद करो मैंने स्पेशली आपको बताया था फेस कार्ड 12 होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्पेशली आपको इसलिए बता दिया था कि फेस कार्ड 12 होते हैं, बस इतना याद रखना है। तो फेस कार्ड 12 पे आते हैं बेटा, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे बेटा, फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते, फेस कार्ड, फेस कार्ड होते हैं बेटा 12, कितने में से? 52 में से, फेस कार्ड 12 होता है 52 में से, फेस कार्ड 12 होता है 52 में से। अब आप 4 से इसे कैंसिल कर सकते हो, 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12, और 4 से कैंसिल करो बेटा, 4 बन जा 4, एक कैरी करोगे 12 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 होता है, ठीक है। तो यह आ गया आपका 3/13 जो होगा वो सेकंड पार्ट का आपका आंसर आ गया, फेस का 12 होते हैं 52 में से, 4 से कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल कर दो, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या आता है बेटा, थर्ड पार्ट क्या बेटा, अ रेड फेस कार्ड। देखो अ रेड फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड आपको अभी क्या बताया था, फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, उसमें उस फेस कार्ड में अब रेड वाला पूछ रहा है कि रेड फेस कार्ड, तो 12 फेस कार्ड में से 6 रेड होंगे 6 ब्लैक होंगे, आधा कर दिया करो, 6 रेड होंगे 6 ब्लैक होंगे, तो हमें पूछ रहा है रेड फेस कार्ड। चलो रेड फेस कार्ड करते हैं बेटा, थर्ड पार्ट करते हैं बेटा, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड जो होते हैं बेटा वो 6 होंगे अपॉन में 52, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है और 2 से कैंसिल करोगे 26 बनेगा, ठीक है बेटा। तो 3/26 जो होगा वो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। फेस कार्ड 12 होता है ना, उसमें से रेड वाला 6 होता है, ब्लैक वाला 6 होता है, तो 6/52 2 से कैंसिल कर दो। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं बेटा, देखिए फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपसे, फोर्थ पार्ट आपसे कह रहा है अ जैक ऑफ हर्ट, अ जैक ऑफ हर्ट। बेटा जैक जो होते हैं वो चार होते हैं, जैक मतलब गुलाम, गुलाम चार होते हैं, जैक जो होते हैं वो चार होते हैं, लेकिन जैक ऑफ हर्ट, हर्ट वाला जैक केवल एक होता है, टोटल जैक चार होते हैं, लेकिन आपको कह रहा है जैक ऑफ हर्ट, हर्ट वाला जैक, ठीक है, पान का गुलाम, पान का गुलाम केवल एक होता है, तो द जैक ऑफ हर्ट। चलिए बेटा करते हैं फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट जैक ऑफ हर्ट, पान का गुलाम। वैसे टोटल जैक बेटा चार होते हैं, लेकिन हर्ट वाला जैक केवल एक ही होता है, कितने में से? 52 में से, तो 1/52 ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। भाई जो जैक होता है हर्ट में केवल एक होता है और अपॉन में 52, तो 1/52 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ स्पैड। देखो आप टेबल में जाके चेक करो, स्पैड आपको 13 बताए थे, स्पैड जो होता है 13, याद होगा ना, 13 हर्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब, 13 स्पैड, ऐसे करके आपको बताया था, टेबल में जाके देख लो, ये सब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्पैड, स्पैड जो होता है वो 13 होते हैं, हुक्म बोलते हैं शायद हिंदी में, तो स्पैड जो होता है बेटा 13 होते हैं। फिफ्थ पार्ट कर रहा हूं बेटा,
स्पेड, स्पेड जो होता है बेटा 13 होता है और अपॉन में टोटल, टोटल कितना है 52 है, तो 13 से आप डेक कैंसिल कर सकते हो, 13 बन जा और 13 फोर जा 52 होता है, तो 13 बन जा 13 और 13 फोर जा 52, ठीक है, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, लास्ट है बेटा सिक्स पार्ट, अ क्वीन ऑफ डायमंड। वैसे आपको पता होगा क्वीन जो होती है वो चार होती है, रानी चार होती है, क्वीन द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन बेटा चार होती है लेकिन डायमंड वाली क्वीन केवल एक ही होती है, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ, कितना बढ़िया लग रहा है ना इंग्लिश में, क्वीन ऑफ डायमंड। वैसे क्वीन चार होती है लेकिन डायमंड वाली क्वीन केवल एक ही होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वीन ऑफ डायमंड, सिक्स पार्ट लास्ट पार्ट है बेटा क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। बेटा क्वीन ऑफ डायमंड जो होती है वो केवल एक होती है, कितने में से 52 में से, तो 1/52 आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, है ना बेटा। अब देखो हिंदी इंग्लिश में कितना फर्क हो गया, किसी को बोलोगे यू आर द क्वीन ऑफ डायमंड है ना, खुश हो जाएगी, खुश होकर पागल हो जाएगी, लेकिन आप उसको बोल दो तू ईंट की बेगम है, ईंट फेंक के मार देंगे मुंह पे, कितना फर्क हो गया। लैंग्वेज देखो कितना फर्क होता है, यू आर क्वीन ऑफ डायमंड है ना, खुश हो जाएगी बिल्कुल पागल, और आप बोल दो हिंदी में बोल दो तू ईंट की बेगम है, ईंट पड़ जाएगा भाई तेरे, तो दोनों लैंग्वेज देखो कितना फर्क होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वीन ऑफ डायमंड, केवल एक होता है 52 में से, तो ये आपका सिक्स पार्ट का आंसर आ गया। चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो फाइव कार्ड आपके पास बेटा, पांच कार्ड है ठीक है, द 10, एक 10 वाला कार्ड है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है, एस मतलब इक्का है, एक 10 नंबर वाला कार्ड है, एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह और एक इक्का है, और सबके सब जो डायमंड वाले हैं, डायमंड वाले होते ना ईंट वाले, ईंट की ईंट वाले 10 नंबर है, ईंट वाले जैक, ईंट वाले क्वीन, किंग और एस, आर वेल शफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। अब इनको क्या करा, इनके फेस डाउनवर्ड करके इनको वेल शफर्ड किया गया ठीक है, इनको अच्छे से मिला दिया गया, पांचों कार्ड को मिला दिया, तो मिलाने पे क्या हुआ, वन कार्ड इज, अब इनमें से एक कार्ड पिकअप करा, एक कार्ड निकाल लिया, पांच कार्ड में से हमने एक कार्ड निकाल लिया, तो पहले आप समझो पांच कार्ड है आपके पास ठीक है, उसमें से एक कार्ड निकाला, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो क्वीन हो ठीक है, क्वीन की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो बेटा पांच कार्ड है आपके पास, टोटल कार्ड तो पांच है, कुछ आंसर बेटा 16 लिखो आंसर नंबर, ये 15 था आपका, अब आएगा बेटा आंसर नंबर 16, लिखो बेटा आंसर नंबर 16, पांच कार्ड है आपके पास, कौन कौन से कार्ड है देखो, एक आपके पास 10 है, जैक है, लिख लेते हैं सारे, कौन कौन से कार्ड है आपके पास, एक आपके पास 10 है, एक आपके पास जैक है, एक आपके पास क्वीन, एक आपके पास किंग है, यही है ना, हाँ जी, एक आपके पास ये किंग है और एक आपके पास एस है, इक्का है, पांच कार्ड है आपके पास, ये पांच कार्ड आपको दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे, टोटल कार्ड, टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड जो है बेटा मेरे पास पांच है। उसके बाद नीचे लिखोगे फॉर्मूला, फॉर्मूला आप सबको याद होगा, क्या लिखते थे फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है। आपके पास पांच कार्ड है, 10, जैक, क्वीन, किंग और एस, पांच कार्ड है टोटल, लिख दिया मैंने टोटल कार्ड पांच, हिंदी में क्या लिखोगे, कुल कार्ड, कुल कार्ड पांच है, हिंदी में ये लिखना है कुल कार्ड पांच है, फॉर्मूला आपको याद है, संभव घटना अपॉन में कुल घटना, हिंदी में लिख लोगे ना, संभव घटना अपॉन में कुल घटना। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया था, देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था, किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो कार्ड होगा वो क्वीन के बारे में पूछा गया था, तो चलिए आंसर करते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया था क्वीन के बारे में। तो एक चीज देखो, इन पांच कार्ड में क्वीन, क्वीन तो एक ही है, इन पांचों कार्ड में क्वीन तो एक ही है, तो 1/5, क्लियर हो गया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, बड़ा सिंपल सा,
क्वीन तो एक ही है ना, कितने में से, पांच में से, तो 1/5 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, क्लियर हो गया। अब आते बेटा सेकंड पार्ट पे, अब सेकंड पार्ट ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट क्या कहता है आपसे, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब आपसे कह रहा है कि मान लो जो रानी वाला कार्ड था, बेगम वाला कार्ड था, वो निकल गया, उसको हमने साइड रख दिया, क्वीन निकल गया, उसको साइड कर दिया, क्वीन को साइड, रानी को साइड कर दिया, वाह ठीक है भाई कोई बात नहीं, साइड कर दे, साइड कर दिया भाई, रानी को साइड कर दी। तो बेटा जैसे आप क्वीन को साइड करोगे तो टोटल कार्ड तो चार ही बचे ना आपके पास, क्वीन तो साइड हो गई ना, अब आपस में लड़ लो, चार कार्ड बचे बेटा आपके पास, क्वीन को आपने साइड कर दिया, यही तो कह रहा है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को साइड कर दिया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि सेकंड कार्ड एस होगा, इक्का होगा, पहले क्वीन को साइड कर दिया, अगर क्वीन को साइड कर दिया तो आपके पास चार कार्ड बचे, चलिए कौन कौन से कार्ड बचे पहले लिख लो। देखो आपने क्वीन को साइड कर दिया तो क्या क्या बचा, 10 जैक किंग और एस, अब ये कार्ड बचा, क्या क्या बचा आपके पास, एक बचा आपके पास 10 वाला, एक बचा आपके पास जैक वाला, एक बचा आपका किंग और एक बचा आपका एस, अब ये चार कार्ड बचे क्योंकि आपकी जो क्वीन थी, रानी थी, वो अलग हो गई। हिंदी में शायद इसे बोलते हैं बेटा दहला बोलते हैं शायद इसको, 10 नंबर को, इसे शायद गुलाम, ये आपका बादशाह, बादशाह और ये आपका इक्का, ये चार कार्ड्स आपके पास अभी भी बचे हुए। तो अब आप लिख सकते हो टोटल कार्ड, हिंदी में क्या लिखोगे, कुल कार्ड, टोटल कार्ड, अब टोटल कार्ड तो चार बचे ना, किसी को डाउट तो नहीं है बेटा, क्लियर, मैं जो समझा रहा हूं बिल्कुल क्लियर बातें हो रही है, टोटल कार्ड अब चार बचे। सर जी चार क्यों बचे, पता है या बताऊं, सबको क्लियर है भाई, आपने क्वीन को, रानी को, बेगम को साइड कर दिया, पांच कार्ड थे, एक कार्ड साइड हो गया, तो चार ही कार्ड तो बचे, ये चार कार्ड बचे, टोटल कार्ड चार बचे, ठीक है जी। अब ये चार, अब दोबारा फॉर्मुला मत लिखना, फॉर्मुला एक ही बार लिखते बेटा, बार बार नहीं लिखते। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी पूछा गया था किस बात की, पढ़ो पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूं मैं एक बार, पहले आपके लिए क्वेश्चन निकाल देता हूं मैं, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपके पास इक्का आया, एस कार्ड, इक्का के लिए पूछ रहा है। तो आ जाओ जी आंसर पे, देखो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बेटा एस की, इक्का की। तो एक बात बताओ, इन चार कार्ड में से देखो इक्का है क्या, हाँ है, ये ना इक्का, कितने इक्के हैं, एस कितना, एक है, तो वन, कितने में से, चार में से, टोटल कार्ड चार, तो 1/4। मेरी बात समझ में आ गई बेटा, सेकंड पार्ट सबको क्लियर हो गया, एक एक आराम से, भागना नहीं है चीजों को, क्योंकि भागेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आराम से समझो। पांच कार्ड थे, एक कार्ड साइड हो गया, चार कार्ड बैठे, चार कार्ड आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसका टोटल कार्ड चार हुए, आप कह रहे हैं इक्का, इक्का तो एक ही है, कितने में से, चार में से, आ गया आंसर। अब इसी का एक सेकंड पार्ट और है, इसी में एक पार्ट और है, क्या है देखो, अब कह रहा है इस बात की भी प्रोबेबिलिटी निकालो कि क्वीन हो। भैया भाईजान मेरे चांद सितारे, क्वीन को तो तुमने साइड कर दिया, अब कहां से लाओगे क्वीन, अब क्वीन नहीं रही, क्वीन तो चली गई, साइड कर दी तुमने, अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो क्वीन की, क्वीन है कहां भैया, क्वीन तो साइड हो गई ना, क्वीन तो है, देख लो आप कार्ड में कहां लिखा आपने क्वीन, देख लो चेक कर लो, क्वीन कहां है, 10 है, जैक है, किंग है, एस है, क्वीन तो साइड हो गई, अब लड़ लो आपस में, है किसके लिए लड़ रहे, क्वीन तो गई, तो क्वीन तो नहीं बची, तो आंसर क्या आएगा बेटा, अब हमें निकालना है क्वीन, क्वीन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी जीरो, क्यों होगी जीरो, क्लियर है, क्योंकि क्वीन है ही नहीं, जब है ही नहीं तो जीरो आंसर होगा, 0/4 लिखना चाहिए, लेकिन आंसर जीरो आएगा ना, तो डायरेक्ट हम आंसर जीरो लिखेंगे क्योंकि क्वीन नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात, तो ये हो गया बेटा सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कितना फर्क है, पहले पार्ट में पांच कार्ड था टोटल कार्ड, देखो पहले पार्ट में पांच कार्ड था, पांच कार्ड लिख दिया, फॉर्मल लिख दिया, क्वीन के लिए पूछ रहा था, तो 1/5 आ गया, सेकंड में एक कार्ड निकाल दिया, क्वीन हमने निकाल दिया, तो क्वीन को छोड़ के बाकी कार्ड लिख दिए, टोटल कार्ड चार हो गए, फिर इक्का के बारे में पूछ रहा था, 1/4, क्वीन, क्वीन है नहीं तो 0/4, बड़ा आसान तरीका है निकालने का। अगर आप आराम से, कितनी भी मैथ कमजोर हो, मैं कहता हूं कितना भी वीक हो, अगर आप बिल्कुल आराम से वीडियो मेरा देखो तो एक एक बच्चा इंटेलिजेंट जो है वो तो है, जो मेहनत करता है वो तो अलग ही होता है, जो हार्ड वर्किंग बच्चा होता है वो तो अलग ही है। अगर आप मैथ में वीक भी समझते हो आपने आपको, तो घबराना नहीं, आप मेरे साथ रहो ना, बिल्कुल आप देखना मैथ आपकी मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, बिल्कुल एक एक चीज को आराम से समझना है और मैथ को इंटरटेनमेंट से पढ़ना, समझ के मजे भी लेना है। चलिए बहुत मजे ले लिए तुमने बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जरा ध्यान से देखना, 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 130 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव पेन थे, खराब पेन थे,
वो 132 अच्छे पेन के साथ मिल गए। मिलावट, बहुत पुरानी कहानी हमारी तो, मिलावट आजकल बहुत हर चीज में, पेन में भी मिलावट हो गया बेटा। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिक्स हो गए, 12 डिफेक्टिव पेन 132 गुड पेन के साथ मिल गए, मिक्स हो गए। मिल क्या गए? मिला दिए। ठीक है, तो चलिए जी, पहले जो दिया है वो तो लिख ले। तो कौन सा क्वेश्चन है बेटा? आंसर नंबर 16। चलिए बेटा 16 पे आता है बेटा, यहां से मैं 16 आपका स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप सारे बच्चे साथ दोगे। सबसे पहले लिखेंगे बेटा डिफेक्टिव पेन, यहां लिखेंगे बेटा डिफेक्टिव पेन। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? खराब पेन, खराब पेन या कलम जो भी आपको लिखना हो लिख लेना। डिफेक्टिव पेन है बेटा 12, खराब पेन है 12, और गुड पेन है बेटा 132 अच्छे पेन। आप चाहो तो अच्छा कलम भी लिख सकते हो, मैं अच्छे पेन लिख रहा हूं, आप कलम भी लिख सकते हो। ठीक है, लो जी, डिफेक्टिव पेन हो गया, गुड पेन हो गया, अब लिखेंगे टोटल। हर बार आपको एक ही तरीके से बता रहा हूं, तरीका समझो, बार बार कहता हूं, टोटल पेन, टोटल पेन। तो बेटा 12 खराब, 132 अच्छे, टोटल हो गया 144 पेन। ठीक है जी, कुल पेन, बिल्कुल आराम से एक एक चीज, मैंने कुछ अलग तो नहीं बताया बेटा, सारे पेन ऐसे बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूं, पहले जो गिवन है वो लिख लिया, फिर टोटल लिख दिया, फॉर्मेट लिखूंगा, बिल्कुल एक ही तरीके से सारे आंसर आएंगे और एक बार में आंसर आएगा। अब लिखेंगे बेटा डिफेक्टिव पेन हो गया, गुड पेन हो गया, टोटल पेन हो गया, अब लिखेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला हम सब जानते हैं, फॉर्मूला क्या था बेटा? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। हिंदी में लिख लोगे बेटा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? संभव घटना अपॉन में कुल घटना। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, देखो जो जो दिया था वो लिख लिया, पहले डिफेक्टिव पेन दिया था, अच्छे पेन दिया था, दोनों मिक्स हो गए, दोनों को मिला दिया, 144 पेन हो गए टोटल। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, मतलब देख के, अगर हमने पेन को देखा हम देख के नहीं बता सकते कि डिफेक्टिव है अच्छा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। वन पेन इज टेकन एट रैंडम, हमने एक पेन बिना देखे एक पेन ले लिया, एक पेन उठा लिया, खरीदने से पहले चेक करते हो ना कि चल रहा है नहीं चल रहा, तो हमने एक पेन उठा लिया, तो इस 144 में से एक पेन निकाल लिया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज टेकन आउट इज अ गुड वन, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये पेन गुड वन है, मेरे वाला पेन है, अच्छे वाला पेन है। देखो कितना स्मूथ चलता है, देखो कितना बढ़िया लिखता है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपने जो पेन लिया है वो अच्छा पेन लिया है, अच्छे के लिए पूछ रहा है, तो चलो बेटा गुड के लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हम गुड के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। बेटा आपको जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो केवल गुड के लिए पूछ रहा है, ठीक है, केवल अच्छे वाले के लिए पूछ रहा है। तो अच्छे के लिए देखो, अच्छे वाले कितने हैं बेटा? गुड वाले हैं, गुड वाले कितने हैं? गुड वाले हैं 132, तो 132 ऊपर आ जाएगा, ऐसे तो करते आ रहे हो, 132 ऊपर आ जाएगा, और टोटल, टोटल कितने हैं? टोटल है 144, तो टोटल 144 अपॉन में आ जाएगा। जो पूछ रहा है गुड पूछ रहा है ना, गुड 132 है, टोटल 144 है, क्लियर हो गया। आप इसे कैंसिल कर सकते हो, ये 12 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 12 वन जा 12 एक बचेगा, कैरी हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, 12 वन जा 12 और 12 से कैरी करोगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 11/12 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 11/12। अच्छा एक चीज बताओ, अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालने डिफेक्टिव के लिए, डिफेक्टिव के लिए पूछता तो आप क्या करते? तो क्या करते? सिंपल, बड़ा सिंपल सा है, डिफेक्टिव पेन कितना है? 12, तो यहां क्या लिखते हैं? डिफेक्टिव पेन 12 आ जाता अपॉन 144, तो 12/144 फिर 12 से कट जाता, 1/12 आंसर आ जाता, क्लियर हो गया। तो कुछ भी पूछ सकता है, घबराना नहीं है, बड़े आराम से सीखना है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन, 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब हैं। ध्यान से मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, 20 बल्ब में से 4 खराब हैं, यानी 16 अच्छे होंगे, यही तो मतलब हुआ। 20 बल्ब में से 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं, ठीक है, तो आपको टोटल दिया हुआ है 20 बल्ब, उसमें से 4 बल्ब खराब हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो पहले हमको टोटल दे दिया, पहले टोटल ही लिखना पड़ेगा। आंसर नंबर कौन सा बेटा? 17 का फर्स्ट पार्ट करने वाले हम। चले जी 17 का बेटा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा था? आपको दे रखा था टोटल बल्ब। सर जी टोटल तो हम बाद में लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे, आप चाहो तो बाद में लिख लो,
मैं शुरू में क्या लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में शुरू में दिया था टोटल बल्ब 20 है, जैसा क्वेश्चन दिया था मैं वैसे लिखूंगा। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? कुल बल्ब, कुल बल्ब। टोटल बल्ब जो है 20 है, उसमें से डिफेक्टिव बल्ब, उसमें से जो डिफेक्टिव बल्ब है वो आपको दिया हुआ है 4, खराब बल्ब, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बस लिख रहा हूं बेटा जो मुझसे लिखवाया जा रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा बेटा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल बल्ब 20 है, 20 में से 4 बल्ब जो है डिफेक्टिव है। अब एक बात बताओ, कॉमन सी बात है, कोई पागल भी बता देगा कि भैया 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब है तो अच्छे कितने हैं? 16 है, तो यहां क्या लिखूंगा? गुड बल्ब, गुड बल्ब, अच्छे बल्ब। आप चाहो तो नॉट डिफेक्टिव लिख सकते हो। तो 20 में से टोटल में से 4 कम कर दो, 16 जो होंगे वो अच्छे होंगे। क्लियर हो गया? जो 16 बल्ब हैं वो अच्छे वाले हैं। यहां तक बात है बेटा, सबको क्लियर हो गई? टोटल बल्ब 20 है, उसमें से 4 खराब है, तो अच्छे वाले कितने होंगे? 20 में से 4 कम कर देंगे, 16। जो नहीं माइनस करना, आप डायरेक्ट 16 लिख सकते हो। लेकिन एज ए टीचर मैं तो आपको सही चीज बताऊंगा ना, मैं माइनस करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि टीचर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कई बार, 16 कहां से आया, क्या जवाब दोगे? सेवा में श्रीमान, हमने तो ऐसी दिमाग से कर दिया, सर जी इतनी मैथ आपको नहीं आती, आप टीचर हो, चेक कर दो। नहीं होती भैया, आपको करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा कि 16 कहां से आया। मैंने इसलिए करके दिखाया कि 20 में से 4 कम कर दिया, 16 आ गया। हर चीज का मतलब है, ये सब काम हो चुका है। अब फॉर्मूला लिखेंगे, हर बार फॉर्मूला लिखते थे, तो बिना टाइम गवाए एक सेकंड भी आप डायरेक्ट इसके नीचे फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या था बेटा? फॉर्मूला था बेटा फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, संभव घटना अपॉन में कुल घटना। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया आपने। अब देखो बेटा, एक एक चीज आराम से अब समझेंगे कि भैया 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब था, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बल्ब को हमने निकाल लिया, रैंडम मतलब बिना देखे एक बल्ब हमने चुन लिया, कोई सा भी एक ले लिया। What is the probability that the bulb is defective? इस बात की probability निकालो कि वो defective है। बच्चा बच्चा कर सकता है मेरा, कोई परेशानी नहीं है। हमसे पूछ रहा है defective bulb। आ जाओ भाई, क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है बेटा defective bulb, यानी आपसे पूछ रहा है खराब bulb, कि भैया खराब bulb बताओ। तो एक बात बताओ, खराब bulb कितने थे? 4 थे, कितने में से? 20 में से। defective तो 4 थे ना, defective 4 थे, कितने में से? 20 में से। 4 से आप कैंसिल कर दो, 4 बन जा, 4 होता है 4, 5 आपका 20 होता है, तो 1/5 आपका, कितना सिंपल है। डिफेक्टिव कितने हैं? 4 है, टोटल कितने हैं? 20 है, 4 बन जा, 4 5 आ गया, समझ लो 1/5, बड़ा सिंपल है। ठीक है भाई, कोई परेशान तो नहीं है? कभी दिल में दर्द हो रहा हो कि क्या कह दिया? अब अच्छा एक बात होता, इसी क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लेता कि बेटा अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी बता, अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी बता, तो क्या करते? अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते? 16 लिखते अपॉन में 20 लिखते, 16 अपॉन 20, 4 से कैंसिल हो जाता, 4/5 आंसर आ जाता। ठीक है, तो कुछ भी पूछे जरूरी नहीं, एज इट इज यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में हल्का फुल्का घुमा फिरा देते हैं, यही बोर्ड का क्वेश्चन बन जाता है। चीजों को समझने से मतलब है, चीजों को समझो। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, देखते हैं सेकंड पार्ट जनाब क्या कह गए। सेकंड पार्ट आ जाओ, पेश हो जाओ। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, मान लिया कि आपने जो बल्ब निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव था, नॉट डिफेक्टिव मतलब खराब नहीं था, अच्छे वाला बल्ब था। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसे नॉट रिप्लेस मतलब वापस नहीं रखा हमने, आपने जो बल्ब निकाला ना वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब अच्छे वाला बल्ब था, उसे आपने निकाला, अच्छे वाला बल्ब निकला और उसे आपने साइड कर दिया। नॉट रिप्लेस का मतलब उसे हमने वापस नहीं मिलाया, उसे हटा दिया। तो अब मुझे कोई बच्चा ये बताओ, जब आप उसे हटा दोगे, मैं बाकी चीज बाद में पढ़ूंगा, पहले एक चीज बताओ मुझे, तुम में से एक भी बच्चा बता दो अपने आंसर, जल्दी बताना एकदम से, बताओ टोटल बल्ब अब कितने बचे? 19। शाबाश। क्यों सर जी 19 क्यों बचे? भाई एक बात, 20 थे, 20 में से एक तूने हटा दिए, तो भाई 19 तो बटे टोटल, समझ में आ गया। इसमें से हिंदी में क्या लिखोगे? कुल बल्ब लिख लोगे अपने आप, कुल बल्ब जो होगा वो 19 होंगे। अब डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब तो 4 ही थे, अभी भी 4 है, पहले भी 4 थे, अब भी 4 है, खराब बल्ब तो उतने ही रहेंगे, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। खराब बल्ब 4, पहले भी 4 थे, अब भी 4 है,
डिफेक्टिव वाले पहले भी चार थे, अब भी चार हैं, क्योंकि आपने अच्छे वाले को नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छे वाले बल्ब को हटाया है। अब मुझे बताओ डिफेक्ट टोटल बल्ब 19 हो गए क्योंकि एक हट गया, डिफेक्टिव चार है, तो बताओ नॉट डिफेक्टिव या गुड बल्ब। आप कई बच्चे से गुड बल्ब लिखते हैं और कई बच्चे से नॉट डिफेक्टिव बल्ब लिखते हैं, एक ही बात है, किसी भी तरीके से लिख लेना। अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब या खराब बल्ब नहीं, कुछ भी लिखो। टोटल बल्ब 19 थे, 19 में से डिफेक्टिव 4 हैं, तो अच्छे वाले 15 बचे। और वैसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि अच्छे वाले 16 थे, आपने एक साइड किया तो 15 बचे। किसी भी प्रकार से आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखना जरूर कि भैया 19 बचे, डिफेक्टिव 4 हैं, अच्छे वाले 15। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट है, दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो जी, यहां तक तो काम हो गया कि एक बॉल आपने निकाला, वो नॉट डिफेक्टिव था, अच्छे वाला था, उसे वापस नहीं मिलाया, यानी अब बल्ब जो बचे वो 19 बचे। Now, one bulb is drawn at random. अब आपने क्या करा, एक बल्ब निकाल लिया, उस 19 बल्ब में से एक बल्ब निकाल लिया। What is the probability that the bulb is not defective? इस बात की probability निकालो कि वो not defective है। Not defective का मतलब क्या है? Not defective मतलब good bulb, वो खराब नहीं है। इस बात की probability निकालो कि वो खराब नहीं है, तो not defective की probability आपको निकालनी है। तो चलिए जी, नॉट डिफेक्टिव, बेटा नॉट डिफेक्टिव का मतलब है खराब नहीं, और खराब नहीं का मतलब अच्छे वाले, अच्छे वाले कितने हैं 15 है, और टोटल कितने हैं 19 है, तो 15/19 भाई। नॉट डिफेक्टिव जो है वो 15 है, खराब नहीं, खराब नहीं, खराब नहीं वाले बेटा 15 है, टोटल 19 है, 19 है ना टोटल, क्योंकि एक बल्ब तो आपने हटा दिया था ना, तो 19 तो बचे ना, तो नॉट डिफेक्टिव वाले 15 बल्ब है और टोटल 19 है, तो 15/19 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल लिया। चलिए बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क व्हिच आर नंबर फ्रॉम 1 टू 90। एक बॉक्स में 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है नंबर से, एक बॉक्स है, मान लो एक बॉक्स है, इसमें क्या है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, इसके अंदर 90 डिस्क है और सब पे क्या लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डॉट 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 90 डिस्क है इसके अंदर, 90 डिस्क है इसके अंदर। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, अगर एक डिस्क इसमें से निकाल लिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे, तो पहले 90 को लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। क्या गिवन है पहले वो लिख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 करने वाला हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है 1 से लेकर 90 तक डिस्क, तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 90। बेटा हम सारे नंबर नहीं लिख सकते, क्या आपको लगता है 1 से 90 तक लिखना चाहिए? नहीं लिख सकते, लिखना भी नहीं चाहिए, लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, यहां लिख देंगे 90, 1 से लेकर 90 तक डिस्क है, 90 डिस्क है, टोटल डिस्क 90 हो गए। आप लिख सकते हो टोटल, इतना आप कर सकते हो, आप टोटल लिख दो, कुल कुल आपके पास 90 नंबर है, 1 से लेकर 90 तक नंबर है। आपको पता है जब टोटल लिखते हो उसके नीचे क्या आता है, फॉर्मूला, और फॉर्मूला आप सबको पता है कि फॉर्मूला क्या लिखूंगा बेटा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। क्लियर हो गया बेटा, 1 से लेकर 90 तक डिस्क है, टोटल 90 हो गया, ये हो गया फॉर्मूला, संभव घटना अपॉन में कुल घटना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात एक एक चीज आराम से सुनना और एक एक चीज ध्यान से सुनना। अब आपसे कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, बेटा टू डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होती है, टू डिजिट नंबर स्टार्ट होती है 10 से, और खत्म कहां पे होगी, तो 90 पे, क्योंकि आप पे 90 तक ही तो है, वैसे तो 99 पे खत्म, टू डिजिट नंबर 99 पे खत्म होती है, लेकिन हम मैंने 90 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पे नंबर तो 90 तक है, हमारे पास नंबर 1 से लेकर 90 तक है, हमें चाहिए दो डिजिट वाले नंबर, दो डिजिट वाले 10 से शुरू होते हैं और 90 तक, यानी 10 से लेकर 90 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक बार बताओ, 10 से लेकर 10 से लेकर 90 तक काउंट करने से अच्छा ही है ना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 नंबर हटा देंगे। अगर ये 1 से लेकर 9 तक हटा दोगे, 1 से लेकर 9 तक क्या होता है, सिंगल डिजिट होता है, 1 से लेकर 9 तक एक ही डिजिट वाले नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक हटा दोगे तो 90 में से 90 में से 9 नंबर हट गए, 1 से लेकर 9 तक हटा दो 90, 90 नंबर टोटल है, 90 में से आपने 9 डिजिट हटा दिए, 90 में से 9 डिजिट आपने हटा दिए, तो कितने डिजिट बचे, 81 बचे। तो यही आपको पूछ रहा है, यही तो आपको आंसर लिखना है,
तो आपको फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है बेटा, टू डिजिट नंबर, टू, अब एक काम करना, टू डिजिट नंबर लिखने के बजाय आप इससे बढ़िया ये चीज लिखना, ज्यादा अच्छा लगेगा, टीचर भी खुश होगा, 10, 11 डॉट 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 डॉट, और यहां लिख देना 90, ये और अच्छा लगेगा। टू डिजिट नंबर लिखने के बजाय हम उसको डिफाइन करके लिख रहे हैं कि दो डिजिट का नंबर 10 से लेकर 90 तक, 10 से लेकर 10 से लेकर 90 तक काउंट कर लो, या तो 10 से लेकर 90 तक काउंट कर लो, देख लो कितने नंबर आ रहे हैं। या मैं सिंपल तरीका आपको क्या बताया कि 90 में से 90 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक को हटा दो, वन डिजिट वाले हटा दो, तो 81 बचेंगे, कितने में से 90 में से, 9 से कट जाएगा, 9 9 जा 81 होता है और 9 10 जा 90 होता है, तो 9/10 आपका फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। अब आते बेटा सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद करो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, परफेक्ट स्क्वायर जो अंडर रूट से डायरेक्ट बाहर आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो अंडर रूट से डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो परफेक्ट स्क्वायर तक काउंट करो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण वर्ग वो संख्या होती है जो अंडर रूट से बाहर आता है, जैसे कि 1, आप चेक कर लेना वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन बताई थी, आप चेक कर लेना एक बार, 1 बताया था, 4 बताया था, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। 81 के बाद होता है 100, लेकिन 100 तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो 90 तक ही है ना, तो 1 4 9 16 ये सब जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो कितने परफेक्ट स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, कितने में से 90 में से, 9 से कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9 9 10 जा 90, तो 1/10 जो होगा वो आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। आगे देखो, नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर, 1 से लेके 90 के बीच में, 1 से लेके 90 तक के बीच में 5 से डिवाइड होने वाले नंबर, तो आप बताओ 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं, खुद लिख सकते हो, जॉब तो नहीं आपको मेरी, 5 के टेबल में कौन कौन आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, और ऐसे आता जाएगा 90 तक, यही बात है ना, 5 10 15 20 25 30 35, ऐसा करके काउंट कर लोगे ना 90 तक, आप काउंट कर ले 18 नंबर आएंगे, क्योंकि 18 5 90 होता है, 18 नंबर आएंगे, आप काउंट करके देख लेना, 18 upon 90, ये भी कट जाएगा, 18 1 जा 18 18 5 जा 90, तो 1/5 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट, तीन ही पार्ट थे ना बेटा, हाँ तीन ही पार्ट है ना, तो तीनों पार्ट का हमने आंसर आपके सामने निकाल के रख दिया। तो ये था बेटा हमारा आंसर नंबर 18, जिसमें हमें 1 से लेकर 90 तक नंबर दे रखा था, फिर टोटल नंबर 90 थे, फिर हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बाद हमें तीन पार्ट पूछा था कि दो डिजिट नंबर वाले, परफेक्ट स्क्वायर वाले और 5 से डिवाइड होने वाले, ये तीनों पार्ट आपके सामने, क्लियर हो गया। तो पहले ये यहां तक नोट करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 19 कराता हूं मैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा क्या कह रहा है, अ चाइल्ड हैज अ डाई, एक बच्चे के पास एक डाई है, डाई मतलब पासा, पासा है उस बच्चे के पास, वो 6 फेसेस आर लेटर, मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो डाइज है ना बेटा, डाइज पे नॉर्मली क्या होता है, पासे पे नॉर्मली क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि एक बच्चे के पास जो डाइज है वो स्पेशल डाई है, उसमें नंबर नहीं है, उसमें ये लिखे हुए हैं, चाइल्ड हैज अ डाई, एक बच्चे के पास पासा है, वो 6 फेसेस आर शोन द लेटर, उसके जो 6 फेसेस है वो ये लेटर है, मतलब नंबर ना होके 1 2 3 4 5 6 ना होकर आपको अल्फाबेट दिया हुआ है, क्या क्या अल्फाबेट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई और ए, तो मैं आपको बार बार क्या समझा रहा हूं, जो पहले गिवन है पहले वो लिखो, तो ए से लेकर डी तक और फिर ई तक और फिर ए भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, पहले हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है एक ए लेटर दिया हुआ है, एक बी लेटर है, एक सी लेटर है, एक डी लेटर है, एक ई लेटर है और एक ए लेटर है, तो टोटल अगर हम टोटल लेटर देखें, कुल देखें तो कितने हैं, टोटल आपके 6 लेटर हैं, टोटल आपको 6 लेटर दिया हुआ है, और आपको पता है जैसे ही टोटल हो जाता है उसके बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये बात तो सबको याद हो गया होगा कि जैसे ही हम पहले जो बार बार आप याद रखो, पहले जो गिवन है हाफ मार्क्स आपको उसके मिलेंगे, फिर आप फॉर्मूला लिखते हो उसके हाफ मार्क्स मिलेंगे, और बाकी जो आप सॉल्व करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पहले हमें क्या लिखा था, ए से लेकर ई तक और दोबारा ए, तो हमने लिख लिया, फिर हमें टोटल 6, क्योंकि टोटल 6 लेटर है, उसके बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था बेटा, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स
अपॉन में टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, जो फॉर्मूला था वो हमने लिख लिया, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। हिंदी में लिख लो बेटा, संभव घटना अपॉन में कुल घटना, संभव घटना अपॉन में कुल घटना, जो आपको बार बार लिखवा रहा हूं। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द डाई इज थ्रोन वंस, अब एक डाई को उन्होंने एक बार फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए हमें, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो एक बात बताओ, ए ए कितनी बार है, एक और दो, दो बार है। आ जाओ आंसर पे, देखो आपसे प्रोबेबिलिटी बेटा पहले पार्ट का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, आपको ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो आप चेक करो ए कितनी बार है, एक ए यहां है और एक ए यहां है, यानी कितने ए है, टू टाइम्स ए है, तो आप क्या लिखोगे टू, और टोटल कितने है, टोटल सिक्स है, तो टोटल सिक्स। क्लियर हो गई मेरी बात भाई, ए दो बार है ना, ध्यान से देखो ए दो बार है इसलिए टू आएगा, टोटल सिक्स है अपॉन में सिक्स, नीचे हमेशा टोटल आता है सबको पता है, तो ए दो बार है अपॉन में सिक्स, टू से कैंसिल हो जाएगा, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, तो वन अपॉन थ्री जो होगा वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर हो गया, अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट का, देखते हैं सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, अब हमें डी की फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, हमें डी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो डी चेक करो एक बार आंसर में आते दोबारा, एक बार चेक करो डी कितनी बार है, डी आपको दिख रहा है केवल वन टाइम्स है, तो जब आप डी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे सेकंड पार्ट आप करोगे, आपको डी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो डी कितने टाइम्स है, डी केवल वन टाइम्स है, तो वन, और टोटल कितने हैं, टोटल सिक्स है, तो वन अपॉन सिक्स। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चन एक कर लो या एक लाख कर लो फर्क नहीं पड़ता, ये क्रिकेट थोड़ी है प्रैक्टिस, ये बेटा मैथ्स है, मैथ्स में मेन होता है कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, दो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ के करोगे, तो कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए, बुक का हो एनसीईआरटी के बाहर का हो, क्या फर्क पड़ता है हमें, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि हमें जो गिवन है वो ऊपर आएगा, टोटल जो नीचे आएगा, ठीक है। और वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर करके आए, एक बात ध्यान रखना, बोर्ड में अक्सर मैं सुनता हूं ये बात कि बच्चे कहते हैं जी मार्क्स नहीं आए, हमने पूरा पेपर किया था मार्क्स नहीं आए, मार्क्स नहीं आएंगे, ये बोर्ड का एग्जाम, आपके स्कूल का एग्जाम नहीं है ये, कि टीचर आपको कहेगा यार अपना बच्चा ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, वो बड़ी बात बहुत मानता है, इसको नंबर दे दो, नहीं, ये बोर्ड में आपको कौन जानता है, वहां तो किसी को नहीं पता ना आप कौन हो, तो आपका जो आंसर शीट है वो रिप्रेजेंट करता है आपको, आपने आंसर शीट पे क्या लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है आपको, तो इसलिए बेटा वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत मायने करता है। मैं अक्सर बोलता हूं हर बैच में, हर लेक्चर में, जहां जहां सेमिनार में जाता हूं वहां भी बोलता हूं ये बात कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, आपका प्रेजेंट करने का तरीका भी मायने करता है कि आप आंसर को कैसे पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हो। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ये 19 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। वैसे देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो था, क्वेश्चन नंबर 20 जो था बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 20 जो था वो हमें करना नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें स्टार बना हुआ, देखो स्टार आपको दिख रहा होगा शायद, स्टार का मतलब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पर्पस से नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं, ठीक है, हालांकि ये एग्जामिनेशन पर्पस से नहीं है, स्टार का मतलब होता है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पर्पस से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो है ना, तो करेंगे सॉल्व, ठीक है। समझिए बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, आपको दिखाई दे रहा होगा रेक्टेंगुलर रीजन दिखाई दे रहा होगा, इसकी लेंथ 3 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है, इसके बीच में आपने डाई फेंका, आपने एक डाई, डाई मतलब पासा, समझ पा रहे हो, एक रेक्टेंगुलर रीजन है और इसके बीच में आप डाई फेंकते हो, आपने डाई फेंक दिया, ठीक है जी फेंक दिया, आपको फिगर दे रखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, कि आपने जो पासा फेंका था, डाई फेंका था, वो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो सर्कल के अंदर आके रुकेगा। क्लियर हो गया मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में यह है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है या कुछ भी है, रेक्टेंगुलर कोई भी चीज है, उसके अंदर एक सर्कल है, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है, इसका डायमीटर 1 मीटर आपको गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल की लेंथ है 3 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर, लंबाई है 3 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल दिया हुआ है, आपने डाई फेंका, वैसे आपने बचपन में गेम खेला होगा, याद करो, आज के टाइम में कहां खेलते, आज के टाइम में तो पबजी आ गया, पबजी में लगे पड़े हो, आज खेल लो पबजी, कल को बेचोगे सब्जी, है ना, वो तो आप पे डिपेंड करता है, पहले हमारे टाइम में खेलते थे बेटा पबजी वबजी तो थोड़ी, मोबाइल थे नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, आपने देखा होगा शायद, बॉक्स बना लिया करते थे और उसके अंदर हम लोग जो पत्थर के टुकड़े फेंका करते थे और वो उसी में लैंड होना चाहिए, वही गेम है, बिल्कुल वही चीज दे दिया, रेक्टेंगल बना के उसमें हमने डाई फेंक दिया, रेक्टेंगल के अंदर डाई फेंका और रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो डाई आपने फेंका है, वो जो आपने पासा फेंका है, वो सर्कल के अंदर आके रुकना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा।
सबसे पहला आप देखो, आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे कि मेरे पे टोटल एरिया कितना है, क्योंकि अपॉन में तो टोटल चाहिए, तो पहले हम निकालेंगे टोटल एरिया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर। चलिए जी, आंसर स्टार्ट करता हूं बेटा, आंसर नंबर 20। ध्यान से देखोगे हर बच्चा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले बात होती है रेक्टेंगल की, मेरे पे रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 3 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 2 मीटर है। हम सब जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हम सबको पता है, बचपन से सीखा हमने, 6th क्लास से मम्मी सिखा रही है, मार मार के पीट पीट के समझा रही है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ की आपस में मल्टीप्लाई होगी। लेंथ क्या है? लेंथ आपके पास 3 है और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ आपके पास 2 है। 3 × 2 = 6 meters square, यानी टोटल एरिया 6 है। पहले समझ में टोटल मतलब अपॉन में, अपॉन वाली चीज आ गई। अब रेक्टेंगल के अंदर सर्कल भी है, यही तो क्वेश्चन में कह रहा था। रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है और इसका डायमीटर जो है वो 1 meter है। बेटा आप में से शायद अधिकतर बच्चों को पता होगा जिन्होंने 9th क्लास में पढ़ाई होगी, अगर डायमीटर वन है, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यास। अगर बेटा व्यास 1 meter है तो इसका जो रेडियस होगा वो 1/2 meter होगा, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अगर डायमीटर 1 meter है तो इसका रेडियस 1/2 meter होगा। ठीक है जी, अब हम सर्कल का भी एरिया निकालेंगे कि सर्कल का एरिया क्या होता है। अभी आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, अब सर्कल का एरिया फाइंड करोगे तो एरिया का फिर से फॉर्मूला आएगा। किसका एरिया? सर्कल का। अब सर्कल का एरिया निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें वृत्त का। पहले हमने देखो, मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा, अभी भी प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूं। पहले हमने एरिया निकाला बड़े वाले का, जब एक बार बड़े वाले का एरिया आ गया, अब आएगा छोटे वाले का एरिया। एक बार बड़े वाले का एरिया, फिर छोटे वाले का एरिया। तो बड़े वाले का एरिया आपने निकाले 6 meter square, फिर आप छोटे वाले का एरिया निकाल लो। तो छोटे वाले का एरिया, पहले डायमीटर 1 है, रेडियस 1/2 होगा, तो एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई रहेगा क्योंकि आपको पाई की वैल्यू नहीं पता। आर, आर क्या है? 1/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे, 1/2 × 1/2। दो बार क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर है, पाई की जगह पाई। चलो मैं यहां लिख देता हूं, है ना, कोई बच्चा बुरा मान जाए सर जी आपने वहां क्यों लिखा। ले भैया मेरे पे तो 1000 ऑप्शन है, लो हटा दिया भाई, कितना खुश। मैंने लिखा ही नहीं, मैंने लिखा ही दिखी नहीं रहा मुझे, तो पाई की जगह पाई आ गया। आर, आर क्या है? 1/2, कितनी बार? 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार आएगा। बेटा पाई की 1 से करोगे, फिर 1 से करोगे तो पाई रहेगा, और 2 की 2 से करोगे तो 4 होगा, तो पाई अपॉन में 4 meter square। ये किसका एरिया आ गया? ये एरिया आ गया सर्कल का। ये एरिया सर्कल का एरिया है और ये एरिया 6 रेक्टेंगल का एरिया। कंप्लीट एरिया 6 है और अंदर वाले का एरिया आपका पाई अपॉन 4 है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा था आपसे? आपको याद है क्या पूछ रहा था? इसे ही कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा आपसे। वो कह रहा है जो डाइस आपका गिरा वो सर्कल के अंदर गिरा, यानी सर्कल का एरिया पूछ रहा आपसे। आपको सर्कल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी, अल्टीमेटली आपको वृत्त की प्रायिकता फाइंड करनी है। तो एक बात बता भैया, वृत्त का एरिया क्या है? पाई अपॉन 4 है। सर्कल का एरिया क्या है? पाई अपॉन 4 है। और अपॉन में हम क्या लिखते हैं? अपॉन में हम टोटल लिखते हैं, तो टोटल क्या है? टोटल 6 है। पाई अपॉन 4 की जगह पाई अपॉन 4 लिख लिया, पाई अपॉन 4, सर्कल का एरिया पाई अपॉन 4, और टोटल क्या था? 6 था। पाई की जगह पाई रहेगा। बेटा ये जो 4 होता है वो अपॉन में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, जो 4 होता है अपॉन में, ये भी अपॉन में है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। 4 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24, तो पाई अपॉन में 24 ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, पाई अपॉन में 24, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? एक बार दुआ समझ लो, एक बार दुआ समझना हो तो दुआ समझ लो। देखो अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने एक बार समझ लिया, दुआ समझ लो, एक बार दुआ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। एक आपको हमें सर्कल दिया हुआ है, तो हमने क्या करा? पहले एरिया निकाला सर्कल का, लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 meter square आ गया। ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया, ये आ गया टोटल एरिया, ये टोटल एरिया है। अब डायमीटर दिया हुआ है 1 meter, तो रेडियस क्या होगा? 1/2 meter होगा। इसका हमने एरिया निकाल लिया, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई, आर की जगह 1/2, 1/2, 1 की 1 से करा 1 आएगा, 1 की पाई से करोगे पाई, 2 × 4 पाई अपॉन 4। हमें एरिया किसका निकाला? सर्कल का। सर्कल का क्या है? पाई अपॉन 4। टोटल एरिया कितना था? 6। 4 की 6 से मल्टीप्लाई होती है 24, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो घबराना मत, हमने ये भी कर लिया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। ओहो, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा, डिफेक्टिव वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ऐसा क्वेश्चन आप पहले ही अटेंड कर चुके हो, डिफेक्टिव आइटम और गुड आइटम, मैंने कल आपको समझाया था। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ,
A lot consists of 144 ball pen. Total 144 pen है total pen. ठीक है भाई. Which are 20 are defective. उस 144 में 20 जो है वो defective है, खराब है. कल हमने डिस्कस की थी इसके बारे में, है ना. तुम में से भी, अब तुम में से एक, अगर एक बच्चे एक बैच में 100 बच्चों का है तो 10 तो नाम के लिए पढ़ रहे हो, माँ बाप को दिखाने के लिए, है ना. डिफेक्टिव आइटम, तुम डिफेक्टिव आइटम आ जाओगे भैया. मोबाइल भाई, माँ बाप बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे बेटा. मैं आपको कौन सी भाषा में समझाऊं, माँ बाप बहुत मेहनत करके पैसा कमा करके मुझे दे रहे हैं. प्लीज उसे पढ़ो, उसका मेहनत का यूज करो. बहुत मुश्किल समय में पढ़ा रहे हैं. चलिए वापस आते हैं. एक बात बताओ बेटा कि 144 पेन में 20 पेन जो है वो डिफेक्टिव है, खराब है. तो अच्छे पेन तो हम निकाल ही सकते हैं. नॉट डिफेक्टिव इसे बोलते हैं, यानी अच्छा पेन आप बोल सकते हो, गुड वन उसे बोलते हैं. तो चलिए जी हम आंसर स्टार्ट करते हैं. कौन सा क्वेश्चन था, 21? जी हाँ, आंसर नंबर 21. देखो बेटा आंसर नंबर 21 यहां से स्टार्ट करता हूं. हर बच्चा हेल्प करेगा, मुझे उम्मीद है हर बच्चा मुझे मदद करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं हर बच्चे को आता है. सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, टोटल पेन. सबसे पहले आपको दिया हुआ है टोटल पेन, हिंदी में कुल कलम. टोटल पेन जो है वो 144 है. ये टोटल पेन आपको पहले दे दिया 144 है. उसमें से आपको डिफेक्टिव पेन भी दिया हुआ है कि भाई 144 में से जो डिफेक्टिव पेन है वो 20 है. हिंदी में बोलते हैं बेटा खराब पेन, खराब कलम. क्लियर हो गया. हिंदी मीडियम समझ में आ रहा है बेटा, इंग्लिश मीडियम समझ में आ रहा है बेटा. कोई समस्या नहीं, कोई समस्या हो कमेंट करके पूछना, कमेंट करते जाओ, पूछते जाओ, कोई परेशानी नहीं है. टोटल पेन 144 है, डिफेक्टिव पेन 20 है. 144 पेन में 20 पेन खराब है, तो एक बार किसी पागल से भी पूछूंगा कि 144 में से अगर 20 खराब है तो अच्छे कितने. तो या तो उसे क्या बोलते हैं, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव पेन. या तो आप उसे नॉट डिफेक्टिव पेन बोलोगे या गुड पेन बोलोगे. गुड पेन कुछ भी लिख लो, कोई ऐसा नहीं है. देखो सीबीएसई ये रूल कभी नहीं निकालते, या कोई स्टेट बोर्ड ये रूल नहीं निकालेगा. आईसीएसई बोर्ड में अगर पढ़ रहे हो तो ये नहीं रूल निकालेगा. तो बच्चे ने नॉट डिफेक्टिव लिखा, गुड पेन क्यों नहीं लिखा. भाई मेरी मर्जी, मैं नॉट डिफेक्टिव लिखो, गुड लिखो, इस मामले में, इस मामले में कंफ्यूजन मत करो. आप जो मर्जी लिख सकते हो, बस आंसर जब करोगे तो उसका तरीका सही होना चाहिए. तो नॉट डिफेक्टिव पेन यानी खराब पेन नहीं, खराब कलम नहीं, खराब कलम नहीं, यानी वो पेन जो अच्छे हैं. 144 में से 20 को माइनस कर दोगे, 124 ये पेन जो है वो अच्छे हैं. तो हमने पेन को बेटा तीन कैटेगरी में बांट दिया. अब ध्यान से देखो, आपके पास पेन के तीन कैटेगरी है. सर जी कौन कौन सी कैटेगरी है जरा मुझे समझा दो, मैं तो बहुत सिंपल बच्चा हूं, मेरे तो समझ में आती नहीं मैथ, है ना. मुझे समझा दो सर जी. बेटा 144 पेन है तेरे दुकान के पास, तेरे शॉपकीपर है तू, 144 पेन है बेटा तेरे पास, उसमें से 20 डिफेक्टिव पेन निकल गए. 20 डिफेक्टिव, देखो मेरे पास भी डिफेक्टिव बैठे हुए दो चार, तो तेरे पास भी निकलेगा, कौन सी बड़ी बात है. 20 डिफेक्टिव पेन है तो अच्छे पेन कितने होंगे, 124 अभी भी अच्छे हैं. देखो है ना, एक दो डिफेक्टिव भी हो तुम में से तो क्या फर्क पड़ रहा है, बाकी तो अच्छे हैं, बाकी तो पढ़ने वाले हैं, मुझे उन पर ही फोकस करना है. और डिफेक्टिव वाले बच्चों सुधर जाओ भैया, सुधर जाओ. हर बैच में बोलता हूं बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, बिल्कुल फोकस. अगर नंबर आए, मैथ में नंबर आ गया तो समझो आपका कोई भी सब्जेक्ट कभी भी कमजोर नहीं रह सकता. जो बच्चा मैथ में स्ट्रांग है उसका कोई भी सब्जेक्ट कभी वीक हो ही नहीं सकता, वो हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट बन जाता है. मैथ्स अलग चीज है, इसमें दिमाग को लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है चीजों को. चलिए वापस आते हैं. 144 पेन है, 20 डिफेक्टिव है, 124 अच्छे हैं, अच्छे वाले भी ज्यादा हैं. ठीक है जी, ये कंडीशन हो गई. अब इन सब के बाद हम क्या लिखते थे, फॉर्मूला. फॉर्मूला आप सबको याद होगा, क्या लिखोगे, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स. यही लिखते थे, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स. हिंदी में क्या लिखते थे बेटा, संभावित घटना अपॉन में कुल घटना, संभव घटना अपॉन में कुल घटना. अब हम पढ़ते हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है. यह सब तो कहानी हमने लिख ली. अब देखो क्या कह रहा है आपसे, नूरी, नूरी एक बच्चा है, विल बाय अ पेन. वो पेन खरीदने के लिए गया, या गई, गई सॉरी सी है, वो पेन खरीदने के लिए गई. If it is good, अगर अच्छा पेन होगा, but will not buy if it is defective, और अगर खराब पेन हुआ तो नहीं खरीदेगी. कोई भी पागल वो थोड़ी है, defective पेन खरीद के थोड़ी लाएगा, घर पे मम्मी से थोड़ी पिटना है. आगे, the shopkeeper draw one pen at random. Shopkeeper ने एक पेन निकाला. What is the probability that she will buy? क्या पूछ रहा आपसे? इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो पेन खरीदेगी. आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, पेन खरीदेगी. कौन सा पेन खरीदेगी बताओ, जब तक तो मैं लिख लेता हूं. फर्स्ट पार्ट आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, शी विल बाई.
सॉरी बेटा, वो पेन को खरीदेगी, आप बताओ ना कौन सा पेन खरीदोगे? वही पेन ना जो अच्छे होंगे वही खरीदोगे ना। अच्छे पेन कितने है? 124 है। अच्छे पेन है 124, कितने में से? 144 में से। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 बन जा 4, 4 से कैंसिल करोगे, 4 3 जा 12, 2 बच जाएगा, 24 बन जाएगा, 24 हो जाएगा, 4 से कटोगे 36 आ गया। तो 31/36 जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा भाई, 4 3 जा 12, 2 बच गया 24 हो गया ना, तो 4 का टेबल पढ़ो, 4 6 24 होता है, तो 36 अपॉन आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ये हो गया फर्स्ट पार्ट। आपसे क्या कह रहा है? वो पेन को खरीदेगी। भैया कौन सा पेन खरीदेगी? अच्छा पेन खरीदेगी ना, अच्छे पेन का हो गया। सेकंड पार्ट आप क्या पूछ रहा है पढ़ लेता हूं, वैसे मुझे पता है कि वो पूछ रहा है कि वो पेन नहीं खरीदेगी, फिर भी आपको पढ़ा देता हूं, कभी बुरा मान जाओ। शी विल नॉट बाय इट, वो पेन नहीं खरीदेगी। तो मुझे आप बताओ, आप में से कोई भी बच्चा ही जानता है कौन सा पेन नहीं खरीदेगी जो डिफेक्टिव होगा? सेकंड पार्ट करने वाला हूं बेटा मैं। वो पेन कौन सा नहीं खरीदेगी? नॉट बाय, हिंदी में लिख लेना, नहीं खरीदेगी, नहीं खरीदेगी हिंदी में। यहां क्या लिखोगे? खरीदेगी, और यहां लिखोगे नहीं खरीदेगी, नहीं खरीदेगी। आप बताओ कौन सा पेन नहीं खरीदेगी? आप कौन सा पेन नहीं खरीदोगे? जो डिफेक्टिव होगा वो नहीं खरीदोगे ना। तो डिफेक्टिव कितने? डिफेक्टिव आपके पास है 20 पेन डिफेक्टिव है, तो कितना आएगा बेटा? 20/144, फिर 5 से कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल कर दो, 4 5 जा 20, और 4 से कैंसिल करोगे 36, तो 5/36 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड हो गया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। सबको क्लियर हो गया बेटा? दो केस थे, 144 पेन में 20 पेन डिफेक्टिव थे, 124 पेन अच्छे थे। अब वो पेन पहले पार्ट में पूछ रहा है खरीदेगी, खरीदेगी कौन सा पेन जो अच्छे होंगे, तो पहले अच्छे की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। फिर वो पेन को नहीं खरीदेगी, कौन सा पेन नहीं खरीदेगी जो डिफेक्टिव होंगे, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। सिंपल, कीप इट सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जल्दी नोट करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो बेटा। रेफर टू एग्जांपल नंबर 13, ये आपको रेफर कर रहा है एग्जांपल नंबर 13 पे, तो अभी नहीं करेंगे ये, मैं क्योंकि मैं आपको एग्जांपल अलग से कराता हूं आपको पता है, तो अभी नहीं करेंगे। रेफर टू एग्जांपल 13 मतलब एग्जांपल 13 पे हमें जाना है, फिर एग्जांपल 13 को पढ़ना है, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये अभी नहीं करेंगे। जब मैं आपको एग्जांपल 13 अलग से कराऊंगा तब इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा, अभी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, एग्जांपल 13 करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को हटा देंगे, अभी इस क्वेश्चन पे हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले एग्जांपल 13 फिर वापस क्वेश्चन पाएंगे तब करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं बेटा, 22 को हमने हटा दिया, अभी 23 पे। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, 2019 के एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन ये आया, 3 मार्क्स का, आप जाके चेक कर लेना अगर भाई बहन आपके पढ़े हो तो। 2019 बोर्ड का एग्जाम ये क्वेश्चन आया हुआ, 2019 के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला। याद करो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, नहीं सिखाया था, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया दुनिया का हर क्वेश्चन कर सकता है। और कॉन्सेप्ट में बताता हूं हर एक एक्सरसाइज के, वीडियो के स्टार्टिंग के 15-20 मिनट। एक सिक्के को 3 बार उछाला, मुझे हर बच्चा बताओ यहां जो बैठे मुझे देख रहे हो, मुझे बताओ कॉन्सेप्ट, 3 सिक्के वाला कॉन्सेप्ट लिखवाया था नहीं लिखवाया था? यस और नो? यस ना, सबको लिखवाया था। तो 3 सिक्के आप कह रहे 3 सिक्के को उछाला, 3 बार उछाला, 1 सिक्के को 3 बार उछाला, कोई बात नहीं। तो चलो अगर 1 सिक्के को 3 बार उछालेंगे, आंसर नंबर 23 पे आता था बेटा, 1 कॉइन को 3 बार उछालेंगे, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि 8 केस बनेंगे, 8 केस बनेंगे, आप जाके चेक कर लेना, मैंने आपको कॉपी में लिखवाया था। कौन कौन से केस बनेंगे? पहला केस बनेगा आपका हेड हेड हेड, हो सकता है 3 बार हेड आए, हेड कम करते जाओ, 2 बार हेड टेल, या और कम कर दो टेल टेल टेल, अब टेल कम करते जाओ, टेल टेल हेड बन जाएगा, टेल हेड हेड बनेगा, हेड टेल हेड, और टेल हेड टेल, ये टोटल 8 केस बनेंगे। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कभी भी 3 कॉइन, 1 कॉइन के लिए 2 केस बताए थे याद करो, 2 कॉइन के लिए 4 केस बताए थे, 3 कॉइन के लिए 8 केस, 4 कॉइन है 16 केस बनेंगे, लेकिन 4 कॉइन आपके सिलेबस में 11th क्लास में, तो हम 4 कॉइन पर डिस्कस नहीं करेंगे, आपकी 3 कॉइन आपके सिलेबस में केवल यही डिस्कस करेंगे। तो टोटल, फिर से वही टोटल, टोटल कुल टोटल जो केस बनेंगे वो 8 केस बनेंगे, है ना, 8 केस बने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 केस बन गए। अब इसके नीचे क्या लिखोगे? फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आएगा बेटा?
पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स. हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? संभव घटना अपॉन में कुल घटना. पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स. क्लियर हो गया? ये आठ केस बनेंगे. अगर पॉइंट को तीन बार उछालेंगे आठ केस बनेंगे, टोटल आठ हो गए. ये फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको हर बार लिखना, हाफ मार्क्स आपको इस चीज के मिलेंगे. अब पढ़ो आपसे पूछ क्या रहा है, बिल्कुल फ्रैंक होकर पढ़ना. मैं आपसे कहा कोई भी परेशानी हो, ये नहीं एनसीईआरटी. एनसीईआरटी क्या बेसिक है? कुछ नहीं है. ये हमें बहुत कुछ करना है. अभी अभी केवल हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, उसके बाद हम अदर बुक पे भी आएंगे भाई, जिसमें हार्ड हार्ड क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए. अभी सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, बेसिक हो जाए. क्योंकि हर जो टीचर होंगे पहले एनसीईआरटी आपको जरूर प्रेफर करेंगे, जो सारे कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है. कॉन्सेप्ट सीख लो फिर अदर बुक करेंगे. देखिए अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ कर रहा है कि भाई तीन बार उछाल दिया, उसको नोट कर लिया. हनीफ विन, हनीफ है कोई, वो कब जीतेगा? इफ ऑल द टॉसेस गिवन द सेम रिजल्ट, दैट इज थ्री हेड और थ्री टेल. अगर तीनों हेड आ जाए, तीनों हेड मतलब हेड हेड हेड, या तो तीनों हेड आ जाए. सॉरी सॉरी बेटा, आई एम सॉरी. या तो तीनों बार हेड आए या तीनों बार टेल आए, इन दोनों केस में हनीफ जीत रहा है. हनीफ कहता भैया तीनों हेड आए मेरा है, तीनों टेल आए मेरा है, बाकी आए तो मैं हार जाऊंगा. ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि हनीफ जीत जाएगा अगर सेम रिजल्ट. सेम रिजल्ट मतलब थ्री हेड और थ्री टेल. अगर तीन हेड आया तीन टेल आया तो हनीफ जीतेगा, बाकी केस में हार जाएगा. एंड लॉसेस अदरवाइज, अगर इन दो के अलावा कुछ और आया, इन दो के अलावा कुछ और आया तो हनीफ जो है वो हार मान लेगा कि मैं हार गया. ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेट हनीफ विल लूज द गेम. इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि हनीफ हार जाएगा. हारने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. लॉस द गेम, वो गेम को हार रहा है. कौन? हनीफ. हमें लॉस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. एक मिनट वापस आंसर पे आते हैं, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूं. एक बात बताओ मुझे, यहां बैठे हुआ हर बच्चा बताओ कि हनीफ कब कब हारेगा. पहले ये बताओ कब कब हारेगा. एक तो इस केस में हार जाएगा, इसमें भी हार जाएगा, इसमें भी हार जाएगा. ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस. इट मींस कहने का मतलब, ओवरऑल ये मतलब बेटा कि केवल इस केस में और केवल इस केस में वो जीत रहा है. इन दोनों केस में वो जीत रहा है, बाकी सभी केसेस में हार रहा है. यही मतलब है ना? तीनों बार हेड आया तीनों बार टेल आया तो जीतेगा, बाकी सब हारेगा. तो इस केस में और इस केस में जीतेगा, बाकी सब में हारेगा. तो हम तो हारने की निकाल ले ना. तो कब कब हारेगा मुझे आप बताओ, कौन कौन से केस में हारेगा. या सब लिखना पड़ेगा भाई साहब, लिखना पड़ेगा, टीचर को बताना पड़ेगा. आप क्या, आप बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बच्चे यही तो समस्या है. मेरी बात समझ नहीं रही ना, फिर 100 नंबर कैसे आएंगे भैया? बच्चे क्या कह रहे हैं? छल जी छल जी छल जी, वो छिक्स के छा रहे, छिक्स अपॉन में एट, ये जी टू छे काट दिया. हाँ भाई, नंबर नहीं मिलेगा. टीचर वहां क्वेश्चन मार्क डाल देगा बड़ा सा कि भैया ये सिक्स कहां से आया, उसे बताओ ना सिक्स कहां से आया. मैं बताता हूं आपको, छे के छे केस लिखने पड़ेंगे कि किस किस केस में वो हार रहा है. चलिए बेटा मुझे मिटाना पड़ेगा आपके चक्कर में, हटा देता हूं से, हट जाओ भाई. चलो जी वापस आते हैं. कौन कौन से केस में हार रहा है मुझे हर बच्चा बताएगा, कौन कौन से केस में हार रहा है. एक आपका आ रहा है हेड हेड और टेल, इस केस में हार रहा है. एक आपका आ रहा है बेटा हेड टेल टेल. थर्ड आपका हार रहा है बेटा, इस वाले केस में हार जाएगा, टेल टेल हेड, वो हार जाएगा. और हारेगा टेल हेड हेड, इसमें भी हार जाएगा. और किसमें हारेगा? हेड टेल हेड में हार जाएगा. और जी टेल हेड टेल में हार जाएगा. गिन लो बेटा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6. आगे 6, अब करना हमें आंसर. तो कितने केस में हार रहा है? वो 6 केस में हार रहा है. अब टीचर क्वेश्चन मार्क नहीं डाल सकता, क्योंकि आपने 6 जो लिखा है ना, विथ रीजन लिखा है. विथ रीजन आपके सामने 6 है, टीचर नहीं काट सकता नंबर, मजबूरी है उसकी. आपने 6 के 6 रीजन बताया भाई. 6 टोटल क्या है? 8. 2 से कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6 और 2 4 जा आपका 8 आ गया. तो ये जो होगा आपका 3/4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया. आई होप मैं सबको समझा पाया हूंगा बेटा. मजा आया कुछ ही? ऐसे तो नहीं समझ में नहीं आई हो, सब कुछ क्लियर है? ओके चलिए एक बार दोबारा फिर से. ऐसा समझ में आ गया पक्का सबको? एक बार समझ लो, कोई बात नहीं भाई, अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई अपने. क्या है क्वेश्चन में? कॉइन को तीन बार उछाला, कॉइन को तीन उछाला, आठ केस बनेंगे. तो पहले आठ केस लिखने, आपको टोटल केस आठ बन गए. ये आपका फॉर्मूला आ गया. क्वेश्चन में ये कह रहा था कि अगर तीनों बार हेड आया तीनों बार टेल आया तो हनीफ जीतेगा, बाकी सब में हारेगा. वो हारने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था. हारने के 6 केस हैं, कितने में से? 8 में से. कैंसिल करके 2/3/4 आपका आंसर आ गया. अच्छा आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? अगर यहां क्वेश्चन ये होता कि हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालो, पूछ नहीं रहा, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं. ये वाला नोट मत करना, ये नोट नहीं करना. आई रिपीट,
ये वाला नोट नहीं करना, मैं आपको बाय चांस पूछ रहा हूं कि अगर यहां ये पूछता प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ हनीफ, हनीफ जीत रहा है तो क्या करते हैं? बताओ कौन कौन सा केस आता? तब ये केस आता या तो तीनों बार हेड होता या तीनों बार टेल होता, यही तो, दो ही केस में जीत रहा है ना, तीनों बार हेड और तीनों बार टेल, तो कितने केस में जीत रहा है? दो केस में जीत रहा है, शाबाश। तो 2/8 कैंसिल कर दोगे, 2 1 2 2 4 8 1/4 आंसर होता। ये नोट नहीं करना, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं बेटा कि कॉन्सेप्ट को समझना। एक बार जिसको समझ में आ गया उसको मजा आता है, उसे क्या फर्क पड़ रहा है वो जीतने का पूछे वो हारने का पूछे, उसे क्या फर्क पड़ रहा है, की फर्क पड़ता भाई, उसे क्या फर्क पड़ रहा है कि वो हारने का पूछे जीतने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना एग्जाम के अंदर, जिसने क्वेश्चन समझ लिया वो बाजी जीत जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, हर बच्चा ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 24 को। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर आप सब देखना। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार फेंका गया, याद करो, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार फेंका गया। बच्चों जब एक डाइस को दो बार फेंकते 36 केस बनते हैं। सर जी आपने कब बताया? हाँ मैंने नहीं बताया है ना, एक बार जा बेटा वीडियो के स्टार्टिंग में देख ले बेटा, एक बार देख ले बेटा, हाथ हाथ को कष्ट दे दे और थोड़ा सा रिमाइंड कर ले वीडियो को, तुझे दिख जाएगा ये मैंने बताया था। अ डाइस इज थ्रोन टू टाइम्स, एक डाई को जब दो बार फेंकते 36 केस बनते हैं। याद, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2, याद आया, 6 तक केस बना था। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ऐसा केस बना था ना, तो 36 केस बनेंगे टोटल अगर डाइस को हमने दो बार फेंका। तो अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को हमने दो बार फेंका, तो 36 केस बने। लिखने नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, 36 के लिखने के नहीं, नहीं लिखेंगे नहीं, क्यों लिखेंगे फालतू में टाइम क्यों बर्बाद करें, दिमाग में रख लिया कि हाँ 36 केस बनेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि 5 विल नॉट कम एट द आइदर टाइम, कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब 5 आए ही ना, एक भी बार नहीं आए, आइदर टाइम मतलब एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, 5 से भाई को हो गई दुश्मनी, 5 नहीं दिखना चाहिए वरना खून हो जाएगा, 5 नहीं आना चाहिए। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए, 5 के अलावा कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 5 नहीं, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम मतलब 5 एक भी बार नहीं दिखना चाहिए। तो 5 को हटाएंगे, बाकी जो केस होंगे वो लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, कैसे करेंगे देखो, तरीका देखो। आंसर नंबर 24, ठीक है बेटा, चलिए आंसर नंबर 24 स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले आपको अगर लिखना चाहो 36 केस तो लिख लो, कोई किसी को लिखना हो अगर पहचान के लिए, मैं तो डैक कर सकता हूं, मैं तो डैक कर दूंगा, लेकिन अगर आपको मैथ कमजोर है तो आप 36 के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या केस था बेटा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, ठीक है आपके लिए लिख दिया मैंने, ताकि कोई बच्चा नाराज ना हो, कोई रोने बैठ जाए, है ना भाई, मम्मी सर जी ने लिखवाया नहीं, भाई मैंने लिखवा दिया, ठीक है 36 के लिख दिया। अच्छा कोई बच्चा मुझसे कमेंट करके पूछ रहा है कि सर जरूरी है कि लिखना, नहीं जरूरी नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप डैक कर सको तो डैक कर दो, लिखने से क्या गलती होने के चांस कम होते हैं, इसलिए अगर टाइम हो 30 सेकंड ज्यादा हो 30 सेकंड लगेंगे, टाइम हो तो लिख लेना, इससे क्या होगा आपके गलती होने के चांस कम होंगे। ठीक है, लिखोगे आप टोटल, कुल टोटल केस कितने बने, 36 बनेंगे, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, अब तक तो बहुत बार याद कर चुके हो, क्या होता है फॉर्मूला बेटा, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स
अपॉन में टोटल आउटकम्स। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? संभव घटना अपॉन में कुल घटना। ठीक है, पहले हमने 36 केस बना दिए, 36 केस, ये 36 केस बना दिए, टोटल आपके 36 केस बनने। फिर आपने फॉर्मल लिख दिया, देखो ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, मार्क्स चाहिए तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। डायरेक्ट आंसर लिखोगे टीचर नंबर नहीं देगा, आप डायरेक्ट कर लो टीचर नंबर नहीं देगा, तो फिर एग्जाम देने क्यों जा रहे हो? मार्क्स तो चाहिए ना भाई। सुनिए अब जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या आपसे कहा क्या जा रहा है? फाइव विल नॉट कम आइदर टाइम, पांच नहीं आना चाहिए, पांच से नफरत है, दुश्मनी है इसको, पांच नहीं आना चाहिए। तो सभी पांच वाले को हटा दो, सभी पांच वाले को हटा दो। देखो किस किस में फाइव आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। इन सब में फाइव आ रहा है, इन सबको हटा दो। देखो इन सबको हटा दो, इन सब में फाइव आ रहा है, पांच नहीं आना चाहिए ना, इन सब में देखो फाइव आ रहा था, इन सबको हटा दो। और कहां फाइव आ रहा है, देखो ये रहा फाइव, इन सबको भी हटा दो। किधर हो गया? इन सबको रिमूव कर देंगे, इन सबको रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव करा सर? क्योंकि इनमें फाइव आ रहा है। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फाइव विल नॉट कम आइदर टाइम्स, पांच एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो सारे पांच वाले को हटा दो, ये पांच वाले गए, ये पांच वाले गए, सभी पांच वालों को हटा दो, बाकी काउंट कर लो, तो आपके 25 होंगे। ठीक है, आप काउंट करके देख लेना, मैं भी काउंट करके देख लेता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। अब एक लाइन में फाइव है तो नीचे तक 25 हो जाएगा ना। काउंट करना तो काउंट कर लो, है ना, काउंट करने में क्या जा रहा है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया 25 है, आप काउंट कर लेना। तो पांच को अगर हटा दिया तो 25 केस बने। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, केस फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है फाइव विल नॉट कम, पांच नहीं होना चाहिए, पांच नहीं होना चाहिए। तो भैया पांच को हटा दिया, तो आपने जब सारे पांच को हटा दिया, सभी पांच को हटा दिया, सभी फाइव वाले को आपने रिमूव कर दिया, तो यू हैव द 25 केस स्टिल हियर। आपके पास अभी भी 25 केस है, तो 25 अपॉन में टोटल, टोटल आता है अपॉन में, अपॉन में कितना आएगा, 36 आएगा, क्योंकि टोटल कितना है, 36 है। ठीक है, पांच को हटा दिया 25, पांच सभी पांच वाले को हटा दिया 25 और टोटल 36। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, अब सेकंड पार्ट भी पढ़ लो। आज सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है फाइव विल कम अप एट लीस्ट वन। अब इसे पांच से प्यार हो गया, लो जी पहले लड़ाई कर ली, अब मोहब्बत हो गई पांच से। पांच आना, कम से कम एक बार तो पांच आना चाहिए, कह रहा है फाइव विल कम एट लीस्ट वन, कम से कम एक बार पांच तो आ जाए भाई, इतना इतना मोहब्बत हो गया पांच से इसको, पहले नफरत थी, अब कह रहा है पांच कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तब पांच वाले को काउंट कर लो, बाकी सबको हटा दो, पांच वाले को काउंट करो बेटा, कहां गए जी, पांच वाला काउंट करो जी, पांच वाले काउंट करो, हाँ जी यही मिल जाएगा हमें तो, हाँ भाई पांच वाले काउंट करो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, 7, 8, 9, 10 और 11। ये दो बार काउंट मत कर लेना, कभी दो बार काउंट कर लो, ध्यान से करना, हाँ ये गलती होती है यहां पर। बच्चे ने क्या करा, यहां से भी पांच को, ये वाला काउंट हो गया, यहां से भी भाई एक ही बार तो काउंट होगा, तो इधर से और इधर से काउंट किया तो टोटल पांच वाले 11 बनेंगे, आप काउंट कर ले 11 बनेंगे, टोटल 11 बन गए। तो इसका आंसर निकालोगे बेटा, चलिए आंसर करते हैं, हम वापस आते हैं। फाइव एट लीस्ट वंस, पांच कम से कम एक बार, कम से कम एक बार तो पांच आना ही चाहिए, और कम से कम पांच जब एक बार आपने काउंट किया तो 11 केस बने, कितने में से, 36 में से। यू गॉट द आंसर, बस सिंपल है, पांच नहीं आना चाहिए तो 25 केस थे, पांच आना चाहिए 11 केस है, तो 25 अपॉन में 36 एंड 11 अपॉन 36 कंप्लीट है। एक एक चीज का देखो, अब टीचर कहीं मार्क्स काट नहीं सकता, क्यों क्यों नहीं काट सकता सर? देखो आपने ये सब भी बनाया है, आपने रीजन भी दिया है, ये बॉक्स बनाकर रीजन भी दे दिया, सर्कल बना के टोटल भी लिखा है, फॉर्मूला भी लिखा है, इसका आंसर आपने सर्कल बना के भी दिया है, इसका आंसर आपने सर्कल बना के वहां उस ऊपर बनाया ना, तो मार्क्स काटने का चांस नहीं है ना भाई, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। अब आते बेटा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे, हमारा एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा करेक्ट इनकरेक्ट है बेटा, सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं है, तो एग्जाम में कभी आया तो नहीं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है, आपको रीजन भी देना है कि करेक्ट है तो क्यों है, इनकरेक्ट है तो क्यों है, पहले करेक्ट इनकरेक्ट पर ध्यान दो।
इफ टू कॉइंस आर टॉस, ध्यान से देखो बेटा क्या कह रहा है, इफ टू कॉइंस आर टॉस, दो कॉइन को उछाला। एक बात बताओ यार, हर बच्चे को पता है इफ टू कॉइंस आर टॉस, अगर दो कॉइन को उछालूंगा तो चार केस बनेंगे, याद है किसी को? दो कॉइन को उछालने पे चार केस बनते हैं, कौन कौन से, मैं आपको याद दिला देता हूं। एक आपका बना था हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये चार केस बनते हैं अगर हम दो कॉइन को उछालते हैं। तो आपसे कह रहा है अगर इफ टू कॉइंस आर टॉस सिमिलटेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम, कह रहा तीन आउटकम्स होंगे। लो जी पहले इनकरेक्ट हो गया, कितने आउटकम्स होंगे? चार, ये रहा रीजन भी आपने दे दिया, तो ये इनकरेक्ट है, आप आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे क्या करोगे पढ़ के? पहले पता लग गया इनकरेक्ट है। आंसर नंबर 25, ये जो स्टेटमेंट है बेटा वो नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, जो भी आपको लिखना हो लिख लेना, नॉट करेक्ट, हिंदी में लिखेंगे गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम दो कॉइन को उछालते तो चार केस बनते हैं, केस बना के दे दो रीजन के लिए, केस बना के दे दो, एक बनता है हेड हेड, एक बनता है टेल टेल, एक हेड टेल और एक टेल हेड, बेटा ये चार केस बनता है। तो ये रीजन हो गया कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, और रीजन ये हो गया कि तीन नहीं चार बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा, सेकंड पार्ट पे देखो क्या कह रहा है। इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस, अब डाइस को फेंका, डाइस मतलब पासा, 1 2 3 4 5 6 वाला पासा, लूडो वाला, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, तो कह रहा केवल दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे। भैया कौन सी मैथ पढ़ रहे हो? अगर एक पासे को फेंकेंगे तो दो केस थोड़ी बनेंगे, छह केस बनेंगे। एन ऑड नंबर और इवन नंबर, ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से देखना, दो केस बनेंगे, कौन कौन से? अच्छा, अगर पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 केस तो छह होना चाहिए, लेकिन आगे क्या बोला, आगे पढ़ो कि अगर हम एक पासे को फेंकेंगे तो दो पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं, कौन कौन से? ऑड वाले और इवन वाले, हाँ भी बन सकते हैं। देखो ऑड वाले कौन कौन से, 1 3 5 ऑड है और 2 4 6 इवन, ये ऑड वाला इवन वाला दो केस तो बन रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। Therefore, the probability of getting an odd number, इसलिए odd number की जो probability होगी 1/2 होगी, बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्यों? Odd कितने हैं? 3 है, टोटल कितने हैं? 6 है, तो कैंसिल करोगे तो 1/2 नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल सही कह रहा ना, odd number की probability क्या आएगी? Odd number की probability 1/2 आएगी, करेक्ट है, तो आंसर लिखेंगे करेक्ट, क्योंकि odd number की probability 1/2 आएगी। तो सेकंड पार्ट पे आते बेटा, इसका आंसर लिखेंगे करेक्ट, हिंदी में लिखेंगे सही है, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, अगर आधे पढ़ते तो हम गलत लिख देते आंसर, क्योंकि ऑड नंबर आप सब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ऑड नंबर की, 1 3 5, तो ऑड नंबर 3 है, कितने में से? 6 में से, कैंसिल कर दोगे तो 1/2 ही आएगा जो आंसर में दे रखा है। तो ये था आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 15.1, यहां पे बेटा आपका 15.1 खत्म होता है। आप सभी बच्चों को मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, जरूर कर लेना, जो एग्जांपल नहीं हो कमेंट करके पूछ लेना। होमवर्क लिखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर, मेन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, याद रखना, एग्जाम्पल नंबर 1 to 13, 1 से लेकर 13 तक जितने भी एग्जाम्पल है इनको बहुत अच्छे से करना, नहीं आता कमेंट करके पूछना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। ठीक है, नमस्ते बेटा, बाय बेटा, अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट्स हो पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय।